गुड आफ्टरनून, कमाई का अड्डा में आपका स्वागत है। और भारतीय बाजारों में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी, स्पेशली आखिरी के आधे घंटे में एक शानदार रिकवरी के बाद फिर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, इन सब पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइन। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, करीब 100 पॉइंट सुधरकर 22,400 के करीब जाने की कोशिश में निफ्टी। वहीं निफ्टी बैंक में 400 अंकों का तगड़ा सुधार, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 28% नीचे। ऑटो, सरकारी कंपनियों और रियल्टी स्टॉक्स में रौनक। टाटा मोटर्स के डीमर्जर प्लान को बाजार का थम्स अप। स्टॉक 52 हफ्तों की नई ऊंचाई पर पहुंचा, 3% की तेजी के साथ 1000 के पार निकला। टाटा ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स में भी दिखा एक्शन। आज टाटा केमिकल्स 4% ऊपर, तो टाटा इन्वेस्ट, टाटा पावर भी दौड़े। IIFL फाइनेंस के गोल्ड लोन देने पर रोक के बाद शेयर 20% के लोअर सर्किट पर। हालांकि दूसरी गोल्ड कंपनियां जैसे मुथूट फाइनेंस, मनापुरम में अच्छी खरीदारी। और सीमेंट शेयरों में आज करीब 1-3% तक की गिरावट। सीमेंट के दाम घटने का असर। नोवामा के मुताबिक देश में मार्च के महीने में सीमेंट के दामों में करीब 6 रुपए प्रति बोरी की गिरावट दिखी। CLSA की डाउनग्रेड के बाद पूरे IT सेक्टर पर दबाव, 1.5% से ज्यादा टूटा निफ्टी IT इंडेक्स। TCS और HCL टेक को किया डाउनग्रेड। विप्रो LTI माइंट्री में भी बिकवाली की दी सलाह, कहा 2024 का ग्रोथ आउटलुक है कमजोर। और पावर सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी एक्सिकॉम का शानदार आगाज, करीब 90% प्रीमियम पर हुई लिस्ट। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी मुनाफा वसूली दर्ज। उधर स्टेबलाइजर बनाने वाली प्लैटिनम इंडस्ट्रीज में करीब 35% प्रीमियम पर की अपनी पारी की शुरुआत। चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं और हर्षदा वीरूर में रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे। और मार्केट में आज एक जो चीज़ बहुत शानदार रही कि मार्केट ने आज सेटअप को रिस्पेक्ट किया, और अगर आपने उस सपोर्ट लेवल पे बाय किया तो मार्केट ने आपको पैसा कमा के दिया। हालांकि पिछले 10-15 मिनट में वापस वोलेटिलिटी आई है, लेकिन इंटरडे चार्ट देखिए आप, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, दोनों में फर्स्ट आवर की वोलेटिलिटी के बाद फर्स्ट सपोर्ट से शानदार बाउंस, खासतौर से बैंक निफ्टी पर जहाँ कन्विक्शन ज़्यादा रहा है हमारा कुछ टाइम से। शानदार आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में फिर से। इनफैक्ट इस महीने को ज़्यादा दिन हुए नहीं है, इस महीने ऑलरेडी निफ्टी बैंक 6% आउट परफॉर्म कर चुका है निफ्टी IT को, क्योंकि करीब 4% निफ्टी बैंक चला, 2% निफ्टी IT गिरा, तो करीब करीब 6% का आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन ध्यान रखिए आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आखिरी का 1 घंटा काफ़ी अहम रहेगा। SBI पर ध्यान रखिए, क्योंकि एक नए ब्रेकआउट की कुछ तैयारी SBI दिखा रहा है कि शायद एक ब्रेकआउट के कगार पर है ये स्टॉक, 783 पर इस समय। वीरू हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली मोमेंटम अच्छा खासा बना है, लेकिन निचले स्तरों से स्पेशली जब हम वो चाल को देखते हैं, अब अनुज क्लोजिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि हम 22,400 के पास आए, उसको फिर से टेस्ट करें? क्योंकि सुबह में भी आपकी कमेंट्री सुन रही थी कि 450 एंड 500 के बीच अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, कल भी मार्केट ने ही दिखाया 440 तक पहुंचे और वहां से घूमे। देखिए आज का लोअर, आज का हाई, दोनों कल का लोअर कल का हाई ऑलमोस्ट सेम है। जी हाँ। पहले मैं आज बैंक निफ्टी की बात करूंगा हर्षदा, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वो सेटअप को रिस्पेक्ट कर रहा है। आज जो हमारा बाय जोन था 47,200 के आसपास था, और 47,196 से बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया एग्जैक्टली कल का लो, ऑलमोस्ट इसी जोन में था, और ये एक ब्यूटीफुल सेटअप था कि यहाँ पर बाय करिए 47,000 के स्टॉप लॉस के साथ। वहाँ से अब आपको 400 पॉइंट मिल गए हैं करीब करीब, 47,600 पर आप आ गए हैं। मेरे ख्याल से 47,800 टू 48,000 की अभी बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है, और वो जो डाइवर्जेंस थी ना निफ्टी वर्सेज निफ्टी बैंक की, जिसकी हमने बात की थी, मेरे ख्याल से अब वो शुरू हो गई है कि अब निफ्टी बैंक को कैचअप प्ले करने को तैयार है और ऑल टाइम हाई की तरफ जाने को तैयार है। लेकिन पहले उसको एक बार के लिए 47,800 टू 48,000 निकालना पड़ेगा। तो लॉन्ग रहें यहाँ पर और डिप में ऐड करें। आज मार्केट ने बहुत ब्यूटीफुल डिप दी आपको, सपोर्ट 1 में ऐड करें। और एक और चीज़, HDFC बैंक में लोअर लेवल से खरीदारी आ रही है, ये कई बार हुआ है पहले भी, लेकिन आज का HDFC बैंक का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोअर लेवल से फिर रिकवरी आई है यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी पर मैं ज़्यादा पॉजिटिव हूँ आजकल कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में भी गिरावट में खरीदारी के ही मौके हैं, और वो स्टॉप लॉस 22,047 के, और रेजिस्टेंस वही है अभी इस समय 22,450 से 22,500 का। लेकिन निफ्टी के साथ अब दिक्कत क्या हो गई, निफ्टी IT चलना बंद हो गया, और चलना बंद हो गया छोड़ दी, गिरना शुरू हो गया बहुत टाइम के बाद, 20 डेमा के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है निफ्टी IT। तो इसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के कंपोनेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं।
सिर्फ एक HDFC बैंक को छोड़ते हैं, अब तो खैर HDFC बैंक भी चलने लगा है, लेकिन एक्सो HDFC बैंक, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा फोकस कुछ टाइम के लिए, जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाता IT वाला मामला, कुछ टाइम के लिए आप बैंक निफ्टी पर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। तो बैंक निफ्टी जो लार्जली ज्यादातर समय बैक फुट पर था, अब वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है और वहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि इधर वो दिग्गज काउंटर्स हैं जो परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। वीरू आफ्टरनून। हर्ष गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून, और मैं चार स्टॉक्स पे अपना आकलन पेश करूंगा, नॉट एग्जैक्टली अ बाय कॉल, कोई बाय कॉल नहीं, लेकिन सिर्फ स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। पहला वो है पॉलीकैप, आपकी स्क्रीन पे आएगा 4850, फरवरी और मार्च की सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन क्रिटिकल क्या था, क्रिटिकल क्या है, आपके ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 0.5% बढ़ा है था, लेकिन जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था यानी 9 जनवरी की कैंडल, उसके हाई को इसने अभी अभी आज ही इसी कार्यक्रम के दौरान इससे पहले टच किया, मैं एग्जैक्टली उसी का वेट कर रहा था, उसको टच किया यानी सबसे बड़ी सेल बार जो थी उसमें एंटर करने की कोशिश करता हुआ और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। मेरा पहला आई थिंक जो चॉइस रहेगा स्टॉक में डेटा प्लेसमेंट के आधार पे वो रहेगा पॉलीकैप, इट्स 4850। उसके बाद बैंकिंग स्पेस में PSU बैंकिंग बास्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा, हर्षता करीब 0.25% ऊपर है और ये भी एक टिपिकल फ्लैग जो शायद मेरे ख्याल से पिक्चर में करीब 24 जनवरी से लेकर अब तक है। OI को देखिए आप, 21 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए हैं जो कि शॉर्ट कवरिंग का एक बड़ा संकेत है 277 पे, हालांकि इसका ब्रेकआउट पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 280 के आसपास होगा, बट आई थिंक प्लेसमेंट BOB की बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस वक्त। उसके बाद ONGC, आई मीन सरकारी कंपनियों के खेमे में अगर आप एक बार ONGC को देखें हर्षता, करीब 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, एक सप्लाई जोन था इसका करीब 281 पे, उसको क्रॉस कर दिया इसने, टेक्निकली ये इस वक्त नवंबर 2014 के बाद, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। OI को देखिए, यहाँ पर भी 13 लाख शेयर घटे। अभी हमने BOB का जिक्र किया था, ONGC का जिक्र किया, पिछले कुछ सेशंस में इन्होंने शॉर्ट ने ग्रिप करने की कोशिश की थी लेकिन अब वो ग्रिप कम होती हुई, सारे स्टॉक्स डी हाई पर हैं, OI शेड होता हुआ। और इसके बाद मैं एक स्टॉक और रखूंगा इसकी स्क्रीन पे, एंड दैट्स आई थिंक टाटा पावर, हर्षदा 399 को स्ट्राइक करता हुआ और ये अब 8 फरवरी वाली कैंडल के हाईस को चैलेंज करता हुआ, मेरे ख्याल से एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है इसमें। NTPC BHL का अगर आप देखें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हमने कल देखा था, एक मूव यहाँ पे ड्यू था, आई मीन ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है। OI करीब करीब 47,000 शेयर इसमें जुड़े। तो मेरी चार चॉइसेस हैं, पहला पॉली, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद ONGC और फिर टाटा पावर। हर्षदा, या तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर वायदे बाजार में इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बनता हुआ, लेकिन आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे और फिर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। आज देखिए थोड़े से बैकफुट पर निफ्टी ट्रेड कर दिखा रहा है, तो कुछ मंदी वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं, जहां पर आज हमने देखा है बिकवाली के साथ ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो गौर करेंगे तो आज बजाज फाइनेंस अच्छी खासी कट्स देखने को मिले, करीब करीब 4% तक का नुकसान इधर स्टॉक में बनता दिखाई दिया, 250 अंकों का नुकसान है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में हम देख रहे हैं सुबह से ही कमजोरी, और जॉनुज भी मेंशन कर रहे थे निफ्टी IT दरअसल एक कमजोर कड़ी बन रहा है इस मार्केट की, 2% नीचे इंफोसिस, TCS में भी हम देख रहे हैं करीब 1.5 से 2% का नुकसान, और HUL में भी हम देख रहे हैं पोजिशन थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दी है। ऐसे ही बंदी की तरफ मिड कैप साइड पर RBL बैंक आपको दिखाई देगा, अच्छा खासा टूटा है आज। वोल्टास में हमने देखा है बिकवाली बढ़ती हुई, प्रिमल एंटरप्राइजेस और इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस IIFL फाइनेंस के अलग कारण है, जो RBI ने इनके गोल्ड लोन पर रोक लगाई है, तो वो स्टॉक सुबह से ही लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन तेजी के अंश भी हैं इस मार्केट में। तो इसमें आप गौर करेंगे भारती एयरटेल में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, 3.5% का इजाफा, टाटा मोटर्स ऑफकोर्स उस डीमर्जर की खबर पर 3% ऊपर, M&M, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तेजी की तरफ अच्छे खासे दिग्गज दिखाई दिए हैं। लेकिन मिड कैप साइड में भी आपको काफी इंटरेस्टिंग नाम दिखाई देंगे, टाटा केमिकल्स में एक अच्छा खासा मूव है, मणिपुरम फाइनेंस मुथूट में खरीदारी आती हुई, यहाँ संवर्धन मेडिसिन और वेदांत दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशन साफ तौर से बन रही हैं। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी और मंदी के ट्रेड्स बने हैं। अब ऐसे में हमें जानकार जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आपने क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। उस परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ मयूरेश जोशी है फंडामेंटल्स पर, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, रचना वैद्य, जतिन गेडिया और श्रीकांत चौहान, ये सब आपको बताएंगे टेक्निकली या फंडामेंटली किन स्टॉक्स में ट्रेड लेना है।
तेजी या फिर मंदी का। 220 पर टाटा मोटर्स के आज डीमर्जर की पूरी खबर आपके सामने पेश करेंगे दोबारा से, और इसी पर दरअसल हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट महेंतेश सबरत, जो इस कंपनी को काफी समय से ट्रैक करते आए हैं, उनकी राय भी लेकर आएंगे। 2:30 बजे के आसपास IRCTC की ई केटरिंग कारोबार में जो स्विगी के साथ करार हुआ है उस पर और आकिब कंपनी के प्लान्स पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जैन से होगी बातचीत। तब आगे फिर फोकस रहेगा कि क्या हुआ है एक्चुअली टेक्नोलॉजी कंपनियों में, और CLSA ने इन सभी कंपनियों को एक सिरे से डाउनग्रेड क्यों किया है। 2:50 पर मार्केट बिग बॉयस में हमारे साथ UTI AMC के इक्विटी हेड अजय त्यागी जुड़ने वाले हैं, फिर ऑफकोर्स BTS TST BT ट्रेड्स और मार्केट के पूरे एक्शन पर हमारी नजरें अगले 1.5 घंटे में होगी क्लोजिंग की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे। ओके, बाय द वे कॉल्स लेने से पहले एक बार पॉली कैब लेकर आइए वीरो, बहुत सही स्पॉट किया वैसे आपने, आई थिंक वहाँ से 40 रुपये चला स्टॉक, एक बार उसका इंट्राडे चार्ट देखते हैं पॉली कैब का, और ये देखिए 4883 शानदार मूव यहाँ पर इस समय स्टॉक में है, और ये दोपहर में खैर चलता भी काफ़ी इसी तरीके से। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, हमारा पैनल जुड़ गया हमारे साथ। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपके पिक। आज का जो पिक है वो है HDFC बैंक, जो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेड करा है 1439 पर, मुझे लगता है 1450 की तरफ जा रहा है और हायर जोन देखेंगे HDFC बैंक में। स्टॉप होगा बहुत टाइट 1432, क्योंकि सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट की जरूरत थी और ब्रेकआउट मिल चुका HDFC बैंक। HDFC बैंक में एक मौका विद ड्यू डिस्क्लोजर कि गावा साहब के पोर्टफोलियो में बैंक है। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड कहां रहेगा, तेजी या मंदी? जी मेरा ट्रेड मंदी में रहेगा और दैट इज इन कैनविन होम। कैनविन होम जो है वो 800 के करीब एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिसको निकालना उसके लिए आसान नहीं हो रहा है। तो थोड़ा मार्केट में भी इस टाइम पे डाउन स्विंग आया हुआ है, मार्केट में तो दोनों बाजू के स्विंग्स चल रहे, तो करंट टाइम में वो स्विंग डाउन साइड पे, तो हम डाउन साइड वाला स्टॉक चूज कर रहे हैं। और कैनविन होम जब तक 802 के नीचे रहेगा फ्यूचर्स पे, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये काउंटर बहुत ही जल्दी 790 and 785 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है ऑन फ्यूचर्स। ओके, कैनविन होम्स आपकी बाय कॉल है। अब लेके आइए एग्जैक्टली दूसरा ट्रेड यहाँ पर जिसको हमें पिक करना है। कैनविन होम्स आपकी स्क्रीन पे सेल ट्रेड है, यहाँ पेगा 790 का टारगेट, 802 का स्टॉप लॉस है। प्रशांत आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी वीरू जी, अनुज जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून टू द पैनल, सभी दर्शकों नमस्कार। यहाँ पे अगर हम देखें तो सन फार्मा में एक अच्छा डिप आया, 20 डेमा को टेस्ट किया हुआ है, जहां से बाउंस आया है करीबन 1570 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1550 के नीचे 1548 और टारगेट होगा 1620 का। ओके चलिए मानस गुड आफ्टरनून, मानस आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी, तो देखिए पॉली कैब में ही खरीदारी करनी है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है और वॉल्यूम से पिछले करीब 1 घंटे में काफी बेहतर वॉल्यूम्स हुए हैं, तो ये एक ब्रेकआउट मूव है, यहाँ पर करंट लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। 4790 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 5100 के आपको टारगेट सेट करने हैं पॉली कैब के, ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 5000 वाला कॉल ऑप्शन आप लिया जा सकता है, 150 रुपए के आसपास की ट्रेडिंग हो रही है, 109 रुपए के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में आप लगाइए और कम से कम 230 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो पॉली कैब एक बढ़िया ट्रेड जो वीरू ने मेंशन किया और रेडार पर अब मानस के भी आ गया है अच्छी खासी तेजी, तो आप 5000 का कॉल लेकर जा सकते हैं या फिर वर्तमान में फ्यूचर्स में खरीदेंगे तो 5100 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर, एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड साबित हो रहा है। जतिन गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, तो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो बैंकिंग स्पेस में से होगा, बैंकिंग में पॉजिटिविटी दिख रही है तो हम IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। आर्ली चार्ट्स पे एक 5 वेव एडवांस देखने मिल रहा है और वहां से हमें एक थोड़ा करेक्शन भी देखने मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्ली चार्ट्स पे एक बाइंग सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं IDFC फर्स्ट बैंक 80 रुपीज के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहूंगा, टारगेट मेरे 84.50 और 86 के रहेंगे। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक बाय है आपका 8160 पर। चलिए यहाँ पे कॉल्स पूरी हुई अभी तक की टेक्निकल्स कॉल, अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल व्यू लेते हैं और फंडामेंटल व्यू के लिए हमारे साथ मयूरेश जोशी मौजूद हैं। मयूरेश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश मोर और लेस अगर आप देखें तो यहाँ पे आज बैंकिंग ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस दी, PSU बैंक, HDFC बैंक ने, तो निफ्टी बैंक में एक स्विंग था, लेकिन ओवरऑल
निफ्टी अभी भी एक रेंज में है। अभी ये निफ्टी आईटी का पेन पिछले तीन सेशन से काफी बढ़ा है, एक तो इस पे संक्षेप में आपका टेक और दूसरा इस वक्त का आपका कन्विक्शन आइडिया। आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जनरली अगर आप लार्ज कैप आईटी के नंबर्स देखें तो जो उम्मीद बाजार लगाए बैठा था उससे थोड़े बेहतर ही नंबर्स आए हैं, केस इन पॉइंट बीइंग इंफोसिस, विप्रो के भी आई थिंक ऑपरेशनल आईटी सर्विसेज के नंबर्स ठीक ठाक आए थे, टीसीएस आल्सो वाज रीजनेबल। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप आईटी के नंबर्स ठीक ठाक आए थे एंड मिड कैप आईटी हैज कंटिन्यूड टू परफॉर्म। अभी बाजार दो चीजें देख रहे हैं, एक आई थिंक जो एक लेऑफ्स का फैक्टर चल रहा है यूएस मार्केट में, स्पेसिफिकली अगर आप बीएफएसआई देखें, सिलेक्टिवली रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग भी देखें, तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये डर है कि Q4 यानी ये जो तिमाही चल रही है यहाँ पे थोड़ी कर्बिंग ऑफ ऑर्डर्स हो सकती है और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स में थोड़ा दबाव दिख सकता है एंड देयरफॉर Q4 नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अ लिटिल बिट ऑन द वीकर साइड बोथ इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन एज वेल एज ऑर्डर इनफ्लोज। मिड कैप आईटी कंपनीज रिलेटिवली क्योंकि उनकी ऑर्डर साइजेस थोड़ी कम रहती है और काफी मैनेजमेंट कॉमेंट्रीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ने मेंशन किया है कि ऑर्डर इनफ्लो शायद बरकरार रहे विद नो प्रेशर कमिंग इन ऑन द ऑर्डर साइड एज वेल एंड मार्जिन्स आर रिमेनिंग स्टेबल क्योंकि एक पास थ्रू फैक्टर इन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस है वीरू जी ये शायद बरकरार रहे। लार्ज कैप के लिए मुझे लगता है कि एक टफ क्वार्टर रहेगा Q4 भी, शायद Q4 के बाद Q1 में बेहतरीन मौके रहे। तो आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा विद इन दी मिड कैप आईटी स्पेस एंड लार्ज कैप्स। जहां तक आइडिएशन का सवाल रहा मार्केट्स पे, इंडिया में हमें नेस्को ये काफी अच्छा लग रहा है। नेस्को इज अ कंडीशनल बाय दिस जंक्चर, हमें लगता है जो की पिवट लेवल है 915-920 के आसपास, अगर ये स्टॉक इसको क्रॉस कर लेता है तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शनेबल आइडिया बन जाएगी। दो तीन चीजें, एक इसका जो एग्जीबिशन सेंटर है जो हम सब जानते हैं मुंबई में इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, तो अगर आप 9 महीने का परफॉर्मेंस भी देखें एग्जीबिशन सेंटर्स को लेके हैज बीन रिलेटिवली बेटर एंड द बेस्ट सीजन विल कम क्योंकि अभी काफी इवेंट्स लाइनअप होती है एज वी एंटर इनटू Q4 एंड द समर सीजन एज वेल। उनका जो आईटी पार्क है यहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस रही है ये अच्छी खासी रही है, जो कैपेसिटीज इन्होंने एक्सपेंड की है बोथ इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशन सेंटर्स और जो उनकी नई आईटी पार्क की बिल्डिंग बन गई है, कहीं ना कहीं आई थिंक दोज नंबर्स विल स्टार्ट फॉलोइंग अप इवन बेटर। इनका जो फूड्स का बिजनेस है और इंटरप्रेटर का बिजनेस जिसे कहते हैं दैट इज रैम्पिंग अप स्लोली और वो शायद बॉटम लाइन पे दिख रहा है क्योंकि अगर आप 9 महीनों का EPS की बात करें तो लगभग 36.5 रुपए का EPS इन्होंने पोस्ट किया है while for the whole year last year it was around 41.25 rupees। From a balance sheet perspective 1470 करोड़ की कैश है against a market cap of 6200 यानी 23-24% of market cap they are actually lying on cash। तो कहीं ना कहीं बाजार उम्मीद कर रहा है कि this cash should be utilized in a very prudent manner, either dividends दे दे या organic acquisitions कर ले। तो Nesco एक conditional buy होगा but एक बहुत अच्छी story लग रही है जो built up हो रही है। तो अच्छी story लग रही है कि CPS में कुछ contribution मेरा भी है, ये नेस्को मेरे घर के काफ़ी पास है और वहाँ पर इन्होंने अभी रिसेंटली काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, फू खोला है, सोशल खोला है और रियली मुझे ज़माना हो गया नेस्को का। नहीं वो क्योंकि क्या है ना, मैं जहाँ पे रहता हूँ अब वो प्रॉब्लम क्या है कि गोरेगांव के आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है, पवई के साइड आप जा नहीं सकते क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है, तो नेस्को में अभी 3-4 जॉइंट्स खुल गए तो उससे एक आराम हो गया है कि जाना हो तो बस नेस्को चले जाओ और 100 रुपये पार्किंग के ले लेते हैं सीधा घुसते ही। और तो मतलब जैसे ये स्टोरी, खैर मैं भी काफ़ी बुलिश रहा हूँ नेस्को पर और मुंबई रियल एस्टेट का एक अच्छा प्ले है खैर नेस्को पर। एनीवे मैं एक बार वीरू से बात करना चाह रहा था कि वीरू कौन सा स्कैनर लगाया था, वो पॉलीकैप का मूव अच्छा रहा, 4840 से 4900 50 रुपये का मूव आ गया? नहीं नहीं अनुज, कोई स्कैनर नहीं था एक्चुअली। क्या है ना, मैं आने से पहले एक बार ऑप्शन पिरामिड्स की रीड करता हूँ सारे स्टॉक ऑप्शंस की, तो इसमें तो उसमें भी लिक्विडिटी थी लेकिन इसमें एक फ्लैग था अनुज, इसमें एक फ्लैग था और फ्लैग ने पैसा कमा के दिया इस दौर में पूरा, तो वही था बस। पर अनुज इसकी स्पॉटिंग हमने याद है आपको एक दिन करी थी क्लोजिंग में, दिन था 15 फरवरी, मैंने मार्क करके रखा हुआ है जिस दिन इसने पहली बार इस रेंज से ब्रेकआउट दिया था। इस ट्रेड को स्पॉट करने की साइकोलॉजी मेरी यही थी अनुज कि अब हम उस सबसे प्रेशर वाली कैंडल में एंटर कर चुके हैं, इस प्राइस का मैसेज क्या है? बिल्कुल वीरू, जैसा आपने कहा 15 फरवरी को हमने डिस्कस किया था, उस दिन हमने 4500 क्रॉस किया था और आई थिंक पहली बार उस बड़ी गिरावट के बाद हमने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, क्योंकि उसके बाद आप देखिए जब पहले दिन इसमें तीन बड़ी रेड कैंडल्स बनी थी
जो तीसरी वाली रेड कैंडल थी सबसे बड़ी वाली 11 तारीख की, वो इसको डिसाइसिवली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ले गई थी। उसके बाद इसने तीन चार बार कोशिश की उस एवरेज के ऊपर आने की, वो कोशिश नाकाम रही। फिर वो 15 फरवरी वाली कैंडल पे उसने फाइनली उसके ऊपर क्लोज दिया। फिर हमने कहा एक दिन का और इसको वक्त देते हैं, 16 फरवरी को, तब वो उसके ऊपर गया था, तब 4600 क्रॉस किया था इसने, और वहाँ से अब 4900। जैसा आपने बोला, अब वो तीन में से आई थिंक दो दिन की गिरावट स्टॉक रिकवर कर चुका है, एक दिन की गिरावट अभी भी बाकी है जो 54-56 से इसको नीचे लेके आई थी। वो 54-56 अब पता नहीं उतना बाकी का गैप कवर होगा या नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट वीरू दो गैप कवर हो गए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये फिर आपको बता रही है कि मार्केट एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता है अच्छी कंपनियों को जिन्होंने बहुत पैसा बना के दिया हो, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। ये हमने सेम देखा था हीरो मोटोकॉर्प में, ये हमने सेम देखा था एक बार श्री सीमेंट के केस में, और यही एग्जांपल्स भी यूज़ किए थे हमने जब ये स्टॉक गिरा था उस समय, कि ठीक है एक बार के लिए गिरा, एक बार के लिए मार्केट भले ही पनिश कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल पर यहाँ पर बायर्स आएंगे, और मुझे हैरानी नहीं है कि लोअर लेवल्स पर बायर आए और इस तरीके से ये स्टॉक अब चला है। वाकई हमें पॉलीकैप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। मयूरेश आपका व्यू, एक इशू था बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वो लगभग आप समझ लीजिएगा कि उस घटना को घटे हुए करीब करीब 1.5-2 महीने हो चुके हैं। इस मार्केट मैसेज को आप कैसे रीड करेंगे और आपका व्यू पॉलीकैप में इस वक्त, क्योंकि इसमें कोई दरा नहीं कि क्वालिटी स्टॉक था उस इशू से पहले, और ओवर द टाइम बाजार ने अपने रिएक्शन दिया भी है, आपका व्यू पॉलीकैप पे मयूरेश? जी बिल्कुल, और ऑब्वियसली आई थिंक जो रिएक्शन आया था वीरू जी वाज बेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्शन दैट वाज टेकन, और काफी फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वगैरह इश्यूज रेज हुए थे, बट देन द स्टॉक हैज बाउंस बैक वेरी वेरी स्मार्टली, क्योंकि वायर्स और केबल्स मार्केट अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स काफी कम है, पॉलीकैब है, केई हाई है, नए दो लिस्टेड एंटिटीज भी है, बट ये स्पेस में जी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है ये काफी मात्रा में है, और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आर गेनिंग ट्रैक्शन एवरी पासिंग क्वार्टर एज वी आर सीइंग। Obviously, numbers जो पॉलीकैप पे हैं ये काफी शानदार रहे इन द पास्ट, बट स्टिल एट दिस जंक्चर जो मूव हुई है लोअर लेवल से, आई थिंक अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द मूव हैज नाउ एक्चुअली हैपेंड। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्वार्टर फोर के नंबर कैसे आते हैं, और जो इशू जिससे ये स्टॉक को एक बहुत बड़ी डैमेज हुई थी, क्या ये इशू को एड्रेस किया जा रहा है, वॉट इज दैट एक्शन बींग टेकन, ये शायद सब पता चल जाएगा इन Q4। सो आई स्टिल वेट इट आउट फॉर Q4 नंबर्स एंड द कमेंट्री। इंतजार करेंगे मयूरेश एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेने से पहले, लेकिन चार्ट पर तो सिग्नल आ चुका है कि तेजी पकड़ ली है स्टॉक ने। अच्छा, एक स्टॉक जो तेजी से अपने ये लड़खड़ा रहा है 6300 पर आ चुका है, बजाज फाइनेंस स्क्रीन पर रखिएगा। सुबह से कमजोर है लेकिन पिछले 10 मिनटों में 1% और एडिशनल बिकवाली का दबाव इसमें बनता हुआ तो क्रैक करने लगा है। रचना जी बताइए, चार्ट पर अब स्थिति कितनी और बिगड़ सकती है, क्योंकि 6272 था डे लो, वहां से कुछ संभला लेकिन अब फिर लग रहा है उसे टेस्ट करेगा। जी काफी ही बुरा चार्ट है और काफी ही वीक प्राइस एक्शन है, और कहीं पे सपोर्ट को कोई रिस्पेक्ट करे ऐसा लग नहीं रहा, जब तक ये एक सपोर्ट जो बनता है जहां तक पहुंचे विच इज 6160, तो वो अभी बहुत दूर है यहाँ से, तो अभी इसमें लॉन्ग का तो कोई अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए। शॉर्ट साइड पे ऑलरेडी लेट हो चुका है एंट्री के लिए, so those who are already having it can ride it and keep on trailing SL, and 6160 के आसपास एक सपोर्ट बनेगा तो वहां पे देखना रहेगा, अगर 6160 को होल्ड कर लिया इसने तो अच्छी बात है, वरना तो ट्रबल और भी बहुत बढ़ेगी। तो 6160 होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, 6290 पर आ चुका है, दबाव में है, और सिर्फ ये काउंटर नहीं, इनफैक्ट आप देखिएगा बजाज फिनसर्व में भी पोजीशंस अच्छी खासी कटने लगी है। प्रशांत, ऑप्शन डेटा क्या कोई सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर ज्यादा लिक्विडेशन आगे आ सकता है? बजाज फिनसर्व की बात है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी भी एक रेंज में अटका हुआ है, कंसोलिडेशन कर रहा है और रेंज के निचले लेवल पे आ रहा है, बट जैसा अभी जस्ट आपने डिस्कस किया रचना जी के साथ, बजाज फाइनेंस बहुत वीक हो चुका है और इसने एक जो अहम लेवल था 6400 उसको डिसिजिवली ब्रेक किया है, तो अब एक सलाह होगी कि जिनके पास पोजीशन है, क्योंकि इसमें काफी लोग लॉन्ग्स होल्ड करते हैं, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के हिसाब से कह रहा हूँ, आप 6200 का रखें स्पॉट में, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में अगर कोई स्टॉक इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, दो बार इसने 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट किया है जो कि एक बहुत इनहेरेंट वीकनेस दिखा रहा है, तो एक बार उस प्राइस को रिस्पेक्ट करके अगर 6200 के नीचे क्लोज हो तो एग्जिट करना बेहतर होगा।
मार्केट में एक बार देखिए फिन निफ्टी लेकर आइए, एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और एक बार एसबीआई लेकर आइए। जब शो की हमने शुरुआत की थी तो एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि एसबीआई में मुझे एक ब्रेकआउट सेंस हो रहा है इस समय, और अब देखिए ये डे हाई पर आने की तैयारी करता हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एसबीआई का मोमेंटम हमने पकड़ा था जब ये 640 पे था पिछले महीने कि अब ये ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहा है, और उसके बाद वन वे तेजी। इनफैक्ट इसका चार्ट देखिए, बिल्कुल एक महीने में 22% का मूव इंडिया के लार्जेस्ट बैंक में। ध्यान रखिए एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, और जब इंडिया का लार्जेस्ट बैंक इस तरीके से चल रहा है मतलब ये कैचअप रैली है, ये मैसिव वाली कैचअप रैली है। एसबीआई ने बहुत अंडर परफॉर्म किया था और अब फाइनली यहाँ पर पिछले 5-6 दिनों से शानदार डिलीवरी बाइंग भी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग भी है, और ये प्राइस कुछ कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस समय जिस तरीके से ये मूव कर रहा है। यहाँ पर चलिए मानस आप ही बता दीजिए टेक्निकली अब क्योंकि ब्लू स्काई टेरिटरी में आ गया है क्या भी होगा। तो देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है, पिछले 3 हफ्ते से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था हायर लेवल्स पे, बट आज तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। अब जो नया टारगेट होगा वो 810 रुपए के आसपास होगा, तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। करेंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस 777 के नीचे लगाइए और 810 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज इसके करियर का सर्वोच्च ऑल टाइम हाई फॉर एसबीआई, पर इंडेक्स में एक स्टॉक आपको याद और होगा जिसने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और वो है टाटा मोटर्स। 1022 का स्तर अभी स्क्रीन पे है और याद रखिएगा ये CY23 का इंडेक्स में सबसे बड़ा स्विंग देने वाला स्टॉक रहा। आज इस मैनेजमेंट ने अपनी जो बड़ी मेगा डीमर्जर डील अनाउंस करी, मतलब जो प्लान अनाउंस किया, उसके मद्देनज़र एग्जैक्टली आज टाटा मोटर्स को कैसे रीड करना चाहिए और इस कारोबार को कैसे दो भागों में बांटा जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं आइए एक बार हर्षदा के साथ। टाटा मोटर्स अब यहां से स्पीड पिकअप करता हुआ दिखाई देगी क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा बिजनेस प्लान सामने रखा है। पहले तो कंपनी अपने कारोबार को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी में है, दोनों कंपनियां आगे चलकर लिस्ट भी होने वाली है। दो बिजनेसेस क्या रहेंगे, एक रहेगा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और दूसरा रहेगा कंपनी का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। अब पीवी बिजनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आएंगे और साथ ही साथ JLR का कारोबार भी जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी कह रही है कि 12 से 15 महीने लग सकते हैं इस पूरे डीमर्जर को अमल में लाने के लिए क्योंकि NCLT में मामला पहले जाएगा, फिर अप्रूवल के बाद ही डीमर्जर फाइनलाइज होगा। शेयरहोल्डर्स के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहां पर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, ये कंपनी का मानना है। कंपनी ये भी कहती है कि अलग अलग बिजनेसेस की सिनर्जी अलग है, उस लिहाज से बिजनेस स्केल कर पाएंगे, उस लिहाज से अलग बिजनेस प्लान्स भी दोनों ही कारोबार CV और PV के लिए बनते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, अब कंपनी फोकस अपने EV कारोबार पर ज्यादा बढ़ाने वाली है। JLR के पर्सपेक्टिव से देखें तो JLR के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी भी तैयार कंपनी करती हुई दिखाई देगी। इस पूरे डीमर्जर पर कंपनी के चेयरमैन N. चंद्रशेखर ने भी कहा है कि डीमर्जर से शेयर होल्डर्स की वैल्यू दरअसल बढ़ती हुई दिखाई देगी और आगे चलकर जब बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो वो आसानी से होता हुआ दिखाई देगा। अब ब्रोकरेजेस की राय साफ है, कुछ को पसंद आ रहा है ये डीमर्जर। नोमरा 1067 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली JP Morgan 1000 के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं, इन्वेस्टर कह रहा है 900 तक का टारगेट रहेगा। वैल्यू डिस्कवरी बड़े पैमाने पर इस डीमर्जर से आती हुई दिखाई देगी लेकिन वैल्यूएशन में ज्यादा बदलाव होने के आसार नहीं है। बिल्कुल ये सब ब्रोकरेजेस का व्यू, और इनक्रेड शायद एक पैरेलल यूनिवर्स में काम कर रहा है इस समय, इसके लिए 639 इनफैक्ट UBS ने भी 600 का टारगेट दिया, तो दोनों कुछ और ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कुछ और मार्केट देख रहे हैं। बट खैर एनीवे आज जैसा हमने सुबह डिस्कस भी किया था कि हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आज मत चेज करिए, लेकिन हाँ ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग है स्टॉक की, इसके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ महंतेश सवारस जुड़ गए हैं अब इस पर बात करने के लिए। महंतेश जी गुड आफ्टरनून, काफ़ी समय बाद बात हो रही है आपसे। टाटा मोटर्स एक वन वे रैली रही है यहाँ पर और करीब करीब पिछले एक साल में 140% के मूव्स, क्या ये स्टोरी अब फुल्ली प्राइस्ड इन है या इस डीमर्जर के बाद कुछ और वैल्यू अक्रीशन होगा यहाँ पर? देखिए ये डीमर्जर का जो अनाउंसमेंट हुआ है तो फिजिकल डीमर्जर होते होते एक साल तो लगने वाला है बिल्कुल, तो जो अनलॉकिंग प्रोसेस जो हो रही है मेरे हिसाब से केवल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रही है स्टॉक में। जैसे कोई स्टॉक स्प्लिट होता है, जब कभी बोनस आती है तो आपके एक के बदले में और एक शेयर मिलते हैं या दो के बदले में एक शेयर मिलते हैं, ऐसे ऐसा सिचुएशन रिक्रिएट हुआ है इन दिस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो अभी
आप एक शेयर ओन करते हो स्टाडा मोटर में, तो आपको कल एक साल के बाद दो शेयर्स मिलेंगे, हालांकि दो अलग अलग कंपनियां होंगी। तो सो द प्योर व्यू इज कि ये लिक्विडिटी थोड़ा इंजेक्ट कर रहा है ओवरऑल बिजनेस में। डायरेक्शन मुझे नहीं लगता आज के दौर में कोई बड़ा डायरेक्शन चेंज हो रहा है ओवरऑल बिजनेस। देखिए ये एक बड़ी, महेंद्र जी एक सेकंड होल्ड करिए, आ रहा हूँ आपके पास वापस। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, 31 जनवरी 2025 से इंडिया इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी फुटसी वाला जो इंक्लूजन था, और अभी देखिए ब्लूमबर्ग का इंडेक्स अमेरिका से आगे जितने भी बचे हैं करना ही होगा भारत को इंक्लूड। देखिए आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया को ना इंक्लूड करें इस बॉन्ड इंडेक्स में, और हमने लगातार इसकी बात की है कि इसकी वजह से कितना पैसा फाइनली भारतीय मार्केट्स में आएगा, और देर से जागे लेकिन जागे सही, ब्लूमबर्ग का जो इंडेक्स है इसमें भारत शामिल होगा, 31 जनवरी 2025 से शामिल होगा। अभी तक इतने ही डिटेल्स आई हैं, उसके अलावा कोई खास डिटेल्स है नहीं कि कितना इनफ्लो होगा, कितना वेटेज होगा, बिल्कुल ये सब अभी क्लैरिटी आनी है। लेकिन ध्यान रखिए दूसरा बड़ा इंडेक्स है जिसमें भारत अब इंक्लूड होने जा रहा है बॉन्ड इंडेक्स में। तो ये मेरे ख्याल से हजता एक और चीज़ है इसमें, ये आपको याद होगा जब बजट आया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो बजट था ये टारगेट किया गया था स्पेसिफिकली रेटिंग एजेंसीज को, क्योंकि इलेक्शन ईयर में जिस तरीके का आपने फिस्कल डेफिसिट का या फिस्कल प्रूडेंस का एक वो बना के रखा था, उसके ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से ये न्यूज़ आ रहा है, और अगर अभी कुछ और बाकी होगा तो वो भी शामिल होगा। लेकिन 31-25 यहाँ से ये इंक्लूड होगा भारत, और एक बार ज़रा देखते हैं इसका कुछ मार्केट पर या बॉन्ड मार्केट पर कुछ इम्पैक्ट आया। तो एक बार मैं देख रहा था कि बॉन्ड मार्केट में कुछ इम्पैक्ट आया इसका, कुछ SBI जैसे PSU बैंकों में PNB गिल्ड्स नॉर्मली सबसे पहले भाग जाता है, वैसे उसका कोई डायरेक्ट प्ले नहीं है, बट वो क्या है ना आजकल सब उस हिसाब से उसको रिएक्शन में आ जाते हैं, तो उसके लिए। लेकिन हाँ, लेकिन बॉन्ड मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया ये सब देखना होगा, लेकिन मूव अच्छा है यहाँ पर। एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट। ऑफकोर्स 2025 दूर है, लेकिन इंक्लूजन आ गया और वो खबर काफी है। इस पर आगे कुछ और जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे नजर रखेंगे। एक बार PSU बैंक इंडेक्स भी आप स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि वहां पर वो क्लियरली मूव्स आना शुरू हो जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज वैसे भी एक आउट परफॉर्मर रहा है, और स्टॉक इस समय करीब करीब 1.5% ऊपर। PSU बैंक इंडेक्स डे हाई के आसपास 165 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ अच्छा मूव देखने को मिला है। महंतेश, वापस टाटा मोटर्स की चर्चा के लिए लौटते हैं। पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में जहां पर अब EV कारोबार, JLR कारोबार भी रहेगा, तो मैं इंडिविजुअली इस कारोबार की आपसे पूछना चाहूंगी आप कितनी वैल्यू करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू में अब तक JLR का सबसे ज्यादा योगदान था, और फिर ऑफकोर्स बाकी बिजनेसेस आते हैं, लेकिन ये जब तीन बिजनेसेस साथ में आएंगे कैसे वैल्यू करेंगे आप इस पर्टिकुलर बिजनेस को? देखिए, एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि केवल JLR ही नहीं आ रहा है पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में, EV बिजनेस भी आ रही है। आपको याद होगा लगभग 2 साल पहले EV बिजनेस में TPG राइस ने पैसे डाले हुए थे $1 मिलियन, और शायद और एक $1 मिलियन की कमिटमेंट थी, यानी टाटा मोटर तो यही कह रहे थे कि EV बिजनेस में $2 बिलियन का निवेश का प्लान है। तो इसके वजह से होने क्या वाला है कि जब ये तीनों बिजनेसेस जो डोमेस्टिक PV बिजनेस है, JLR है, और जो फ्यूचर में EV बिजनेस आ रही है, जब आप इन तीनों को मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए थोड़ा नेगेटिव से पोजीशन में सवाल उठता है, क्योंकि TPG के लिए उनको इस लिस्टेड बिजनेस में जो EV की बिजनेस में अभी उनके पास शेयर है वो अभी कन्वर्ट हो जाएंगी टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। तो रहा सवाल हाउ टू वैल्यू दिस, इट ऑल डिपेंड्स। एक स्टम्बलिंग ब्लॉक ये है कि JLR कंपनियां आर ओन्ड बाय अ सब्सिडरी जो सिंगापुर में है, टाटा मोटर की एक सब्सिडरी सिंगापुर में है जिसके थ्रू वो JLR होल्ड करते हैं। उस सब्सिडरी में काफी सारी अदर बिजनेसेस है, जैसे कि दायु कोरिया है, जैसे कि थाईलैंड इंडोनेशिया वाली उनकी बिजनेसेस है, एंड कुछ UK में सेंटर्स है, टेक्नोलॉजी सेंटर्स वगैरह।
तो जब ये ओवरऑल जब वैल्यूएशन करेंगे तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए ये थोड़ा सा निगेटिव रहने वाला है, क्योंकि नए शेयर होल्डर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इस कॉम्बिनेशन में. एंड अगर आप वैल्यूएशन केवल टॉप लाइन के हिसाब से देखेंगे तो वो गलत रहेगा. आपको देखना ये पड़ेगा कि इस वैल्यूएशन में आप किसका क्या ओवरऑल एबिट कंट्रीब्यूशन एंड फ्री कैश कंट्रीब्यूशन रहेगा. जेएनआर का फ्री कैश कंट्रीब्यूशन बहुत वोलेटाइल है, कभी कभार बहुत लो होता है, कभी कभार हाई होता है. एंड जेएनआर एंटिटी में डेट भी ज्यादा है. तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये 70-30 या 60-40 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. यानी 70% पैसेंजर व्हीकल बिजनेस होगी, 30% सीवी बिजनेस होगी, या फिर 60% 40%, यानी 60% पैसेंजर व्हीकल बिजनेस होगा, 40% कमर्शियल व्हीकल बिजनेस होगा. ये थोड़ा डिफिकल्ट है जानना, बिकॉज अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं. जैसे कि टाटा मोटर फाइनेंस है, ये एक बड़ी सब्सिडरी है टाटा मोटर की करंटली, वो किस में जाएगी, सीवी में जाएगी या पीवी में जाएगी, ये पता नहीं है. और हमें ये भी नहीं मालूम कि क्या होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर रखेगी टाटा मोटर्स फॉर बोथ दिस कंपनीज. तो ये काफी अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जिसके वजह से वैल्यूएशन स्विंग हो सकता है. एंड एक और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जेएलआर की आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स है जो ट्रेड होती है. तो ये बॉन्ड्स का आउटलुक अभी जब इंडियन कंपनी ओनरशिप में आएगी, अभी तो फिलहाल दे आर ट्रेडेड एज जेएलआर कंपनी बॉन्ड्स. ओके, तो अगर ये इंडियन कंपनी में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है इंडियन कंपनी जो लिस्टेड एंटिटी है वो दे विल ओन जेएलआर. तो जेएलआर के जो बॉन्ड होल्डर्स है उनके लिए या ये मूव शायद पसंदीदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी रिस्क लेवल परसेप्शन जो यूके में रहती है वो काफी कम होगी. रिस्क परसेप्शन फ्रॉम अ इंडियन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा हो सकती है. तो ये काफी अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिसके वजह से वैल्यूएशन का विभाजन करना थोड़ा सा मुश्किल है. ओके, एग्जैक्टली जैसे महिता जी आपने कहा, जेएलआर रेवेन्यूज को लेकर आपने टिप्पणी करी और उसकी वोलेटिलिटी को लेकर आपने टिप्पणी करी. एग्जैक्टली ये बीते एक साल में जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इनका इंडिया में है उसमें बहुत तब्दीली की, उसमें बहुत रिलॉन्चेस हुए, सफारी के, हैरियर के, नेक्सॉन का और नेक्सॉन का एवी. स्पेशली भारतीय कारोबार को लेकर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जिस प्रकार के रिलॉन्चेस, जिस प्रकार की उन्होंने ओवरहॉलिंग करी है, उससे इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है इनके वॉल्यूम्स पे, थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करिएगा. और कितना पड़ने की संभावना है, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट शेयर ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर की बढ़ी हुई है. अगर आप 3 साल पहले देखेंगे या 5 साल पहले देखेंगे क्या उनकी मार्केट शेयर हुआ करती थी पैसेंजर व्हीकल में, और अब क्या है, तो उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है. क्योंकि ये जो नए मॉडल्स का आपने जिक्र किया है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी काफी हद तक बढ़ गई है. ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनका एक्सपैंड हुआ है पैसेंजर व्हीकल्स में. तो ये एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा है कि उनकी मार्केट शेयर काफी बढ़ी हुई है. बट यही कहना कि आगे चल के जब ओवरऑल ईवी बिजनेस ज्यादा बढ़ते जाएगा, नया कंपटीशन आएगा. फिलहाल टाटा मोटर्स को ईवी में कंपटीशन बहुत लिमिटेड है, इसलिए उनकी नेक्सॉन की जो मार्केट शेयर है लगभग 75% है ईवीज में, केवल ईवी जैसे सेगमेंट में. तो कल ये 75% नहीं रहने वाली है, या कल यानी आई एम सेइंग 3 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन जब नए कंपटीशन आ जाएगी, तो थोड़ा सा मार्केट शेयर इरोशन इज एक्सपेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड पैसेंजर व्हीकल में. एंड मार्जिन प्रेशर शायद आएगा, क्योंकि जब कंपनी सेपरेट हो जाएगी तो जो सिनर्जी बेनिफिट्स उनको आती थी एज अ कंबाइंड एंटिटी, जहाँ कॉमन सर्विसेज होती हैं, सम ऑफ द प्लांट्स हैव कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन सर्विसेज को थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा. उनकी जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है R&D साइड से, उसको भी उनको सेपरेट करना पड़ेगा, विच विल इंट्रोड्यूस न्यू कॉस्ट. ये सब में नया कॉस्ट आएगा तो मार्जिन प्रेशर बना रहेगा. तो मुझे लगता है कि वाइल ये मूव केवल लिक्विडिटी जनरेटिंग काइंड ऑफ मूव है, आगे चल के शेयर होल्डर्स इस बात पे ध्यान रखें कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में मार्केट शेयर इरोजन होगा, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में वैल्यू इरोजन होगा या शेयर होल्डिंग इरोजन भी होगी, क्योंकि नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे. एंड रहा सवाल कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज का,
उनका कैसे विभाजन होगा ये अभी तक क्लैरिटी मिली नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महंतेश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। फिर टाटा मोटर्स खैर क्लियरली वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द ईयर पिछले एक साल का, और आज ऊपर खुलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग। जेपी मॉर्गन ने इंक्लूड किया था पहले, जब इंक्लूड किया था इंडिया को, उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी कि ब्लूमबर्ग और फुटसी फॉलो करेंगे उसको, और अब ब्लूमबर्ग की तरफ से भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती हुई तो इसके लिए। मीनवाइल आप एक बार जरा स्टॉक्स लेकर आइए दो तीन, क्योंकि बात हुई थी बजाज फाइनेंस की, आज का टॉप लूजर है आरबीएल बैंक, अब करीब करीब 6% नीचे है। इंटरेस्टिंग है कि दोनों स्टॉक्स एक साथ टॉप लूजर्स हैं, लेकिन 257.55 पर अब इस समय आरबीएल बैंक। कुछ और स्टॉक्स एमसीएक्स लेकर आइए एक बार जरा, एमसीएक्स करीब करीब 3% नीचे हमारे साथ। अच्छा, अब हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी जुड़े हैं, एक बार उनकी ट्रेड ले लेते हैं। श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में एक मिक्स्ड एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है, और टेलीकॉम स्टॉक्स में हमने स्पेसिफिकली काफी अच्छी तेजी देखी है। हमें लगता है कि यहाँ से जो मोमेंटम बनेगा वो टाटा कम्युनिकेशंस में और भी लॉन्ग का मोमेंटम बन सकता है। आज भारती में आपने देखा होगा कि काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है, तो करंटली मुझे यही लग रहा है कि हमें टेलीकॉम स्टॉक्स पे फोकस करना है, और स्पेसिफिकली हमें लगता है कि टाटा कम्युनिकेशंस अगर करंट लेवल से लॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 1960, और टारगेट्स जो नजर आते हैं वो आ रहे हैं टारगेट्स 2050 से लेकर 2075 के, तो टाटा कम्युनिकेशंस को लॉन्ग करके चाहिए। एक अच्छा मौका आप क्लियरली ट्रेड का बनता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट लगे हाथ एक बार टाटा केमिकल्स पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। दावाजी सर, यहाँ पर अगर आपकी नजर गई हो, क्योंकि ये भी एक स्टॉक है जहाँ पर अच्छा खासा तेजी का मूव, और आज सुबह में जब हम हिमांग जानी से बात कर रहे थे उन्होंने वही कहा कि अगला जब ये थोड़ा सा बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में थोड़ी सी और सफाई टाटा ग्रुप लाने की कोशिश करेगी तो वो शायद टाटा केमिकल्स में होता हुआ दिखाई दे सकता है। 5% ऊपर है ये ट्रेड। देखिए, टाटा केमिकल का जो चार्ट है वो ना हाई टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 1000, और 1000 से जैसे ब्रेकअवे गैप मिला है वो बहुत ही अच्छी बात है। फ्रॉम 3 डिजिट टू 4 डिजिट टेक्निकली इन द नियर टर्म उसका टारगेट 1100-1120-25 है, लेकिन इसको देखना चाहिए लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से। जब वो देखता हूँ चार्ट में और लगता है जो हायर टाइम फ्रेम पे जो सिग्नल आया है वो करीब 1200 तक ले जाएगा, तो नजरिया थोड़ा लंबा कर ले तो 1200 दिखता है, लेकिन नियर टर्म में 1000-1020 पॉसिबल है टाटा केमिकल में। दो दिन से अच्छी तेजी हुई है, अगर साइडवेज मूव मिल जाता है तो इट्स ओके, बट अब मूव ऑन है टाटा केमिकल 1120 तक के लेवल्स। और अनुज, ये तो सुबह में आप भी मेंशन कर रहे थे और मैं नोटिस कर रही हूँ कि लगातार पिछले एक महीने 15 दिन में इस स्टॉक में परसिस्टेंट खरीदारी होती दिखाई दी है। बिल्कुल, और इसमें हजता जो सबसे बड़ा मूव है वो एक्चुअली टाटा मोटर्स से रिलेटेड है, क्योंकि टाटा केमिकल्स ने एक जो आयन बैटरी रिसाइकलिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, तो इसकी वजह से मतलब तो ये एक रीज़न है कि टाटा केमिकल्स, अब ऑब्वियसली हम उसको केमिकल्स में गिनते हैं, लेकिन इसका मेन जो रीज़न रीरेटिंग का, आज की जो रीरेटिंग का, वो इसीलिए क्योंकि टाटा मोटर्स से काफ़ी क्लोजली कोरिलेटेड स्टॉक है इसके लिए इसमें। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, सिर्फ इकलौता यही प्ले नहीं है, इसमें बाकी प्लेस भी हैं, ओवरऑल केमिकल स्पेस भी है। ओवरऑल केमिकल में साइंस जरूर दिखे हैं बॉटम के, लेकिन अभी भी नंबर्स वहाँ काफ़ी ख़राब है, तो इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, ये एक कारण था कि आज सुबह मुझे लग रहा था कि ज़्यादा क्लीन प्ले शायद टाटा केमिकल्स में मिलेगा, हाई से ये भी करेक्ट हो गया, लेकिन इंट्राडे में इसने आपको शानदार मूव दिया था आज एक बार के लिए। जी हाँ, करीब 1085 तक के लेवल्स इसने छुए हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं करीब 1054-55 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स की बात हो रही तो एक और अपडेट आ रहा है, फरवरी की ऑटो बिक्री जो यूके JLR की रही है वो करीब 1670 से बढ़कर साल दर साल का आंकड़ा है। ऑफकोर्स 2255 यूनिट्स इन्होंने बेची है, तो वहां पर एक पिकअप जरूर देखने को मिला है, एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इनकी बिक्री के आंकड़ों में। JLR के पर्सपेक्टिव से करीब 35% इजाफा ईयर ऑन ईयर साफ नजर आ रहा है। यह आपके लिए टाटा मोटर्स पर आज जो कुछ एक्शन हुआ है उसके मद्देनजर पूरी पेशकश। अच्छा, इस बीच बैंकों की हम बात कर रहे थे, SBI डिस्कस किया, HDFC बैंक पर नजरें गई, एक बार इंडसइंड बैंक स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। और जतिन बताइए, यहाँ पर क्या आप ट्रेड कुछ इनिशिएट करेंगे या नहीं, क्योंकि अचानक इस स्टॉक में अब तेजी की पोजीशंस आना शुरू हो रही है, शायद ये फिर निफ्टी एक्सपायरी का भी इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन 1544 पर क्या कॉल है?
हाँ देखिए, इंडसइंड बैंक की अगर जो मैं बात करूँ तो पिछले दो दिनों से ये साइडवेज हो चुका था और आज फिर से बैंक निफ्टी के साथ साथ ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। मेरे को लगता है इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। आर्ली चार्ट्स पे एक जैसे साइडवेज कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हुआ है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरे को लगता है कि 1575-1580 तक का एक इमीडिएट अपसाइड है और उसके ऊपर देखे जाएंगे तो 1600 रुपए तक भी ये चल सकता है। इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस लॉन्ग जाने के लिए। इसमें हम स्टॉप लॉस 1522 का लगा के 1580 और 1600 के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, इंडसइंड बैंक और लुक एट एचडीएफसी बैंक नाउ। अब जरा एचडीएफसी बैंक को देखिए, याद रखिएगा नंबर्स के बाद के दिन यानी 16 जनवरी के बाद पहली बार ऐसा है कि इस स्टॉक ने लगातार 4 सेशन 20 डे मार्क के प्राइस पर स्पेंड किए हैं 20 डे मार्क पर। और मैं पिछले लगभग 20 मिनटों से देख रहा हूँ एचडीएफसी बैंक में आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि एट द मनी कॉल्स पे जो है मोमेंटम बहुत बढ़ रहा है। इसकी एट द मनी यानी करीब 1440 और 1450 पे आज करीब करीब 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं विद द प्राइस अप्रिसिएशन यानी प्रीमियम्स बढ़े हैं। और एक चीज विजिबल है कि लगभग 1400 से लेकर 1440 तक 200, 200, 400, 450, 600 और लगभग 600, 700, 800, 900 यानी करीब 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट की बिके हैं बिटवीन 1400 एंड 1440। श्रीकांत, इतना टाइम स्पेंड करना एट 20 डे मा अबाउट 20 डे मा पुट्स में राइटिंग और एट द मनी कॉल से बाइंग, आपका व्यू एचडीएफसी पे कुछ बन रहा है इस वक्त? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट जैसे आपने बताया मैं यही कहूंगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बन रहा है और उसमें भी एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में नो डाउट अभी तक हायर टॉप ऐसा कोई फॉर्मेशन बना नहीं है इन बिटवीन। तो जब तक 1465 के लेवल्स को ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक जो कॉन्फिडेंस होता है ट्रेडर्स का या लॉन्ग ट्रेडर्स का वो नहीं आएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यस, इन लेवल्स पे अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है और जो पूरा एक इसमें जो एक फॉल आया था 1720 से लेकर 1370-1360 रुपए तक उसका एक रिट्रेसमेंट अभी आने की मुझे लगता है कि तैयारी हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि स्टॉक 1500-1510 के लेवल्स दिखा सकता है जो इसके 40% रिट्रेसमेंट लेवल्स है। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि अगर पोजीशन अगर आपके पास अगर लॉन्ग की है तो बिल्कुल इसमें बने रहे। इनफैक्ट आज के लोज या तो मैक्सिमम 1400 एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करके इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग की पोजीशंस के साथ बने रहे। ओके, बिल्कुल एचडीएफसी बैंक डे हाई पर ट्रेड करता हुआ अभी और उसी ने बैंक निफ्टी को हेल्प किया। पीएसयू बैंकों में भी अच्छा मोमेंटम है। बैंक एसबीआई की तो मैंने बात की ही थी लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा लेकर आइए, बैंक ऑफ बड़ौदा वो भी अब डे हाई पर आ गया। तो ये क्लियरली एक कुछ मोमेंटम इस समय आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में दिखाई देगा। चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं, फिर सबसे पहले हम सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत से, रचना जी के पास जाएंगे एक एफएनओ सुपरस्टार के लिए, गाबा सर चार्ट का चमत्कार देंगे आज और मयूरेश से लेंगे मिड कैप फंड। प्रशांत जी आपकी ट्रेड? तो अनुज जी, ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ है डेफिनेटली और मुझे लग रहा है एमएनएफ जो करीबन अभी 1945-1950 इस जोन में ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली एक 7-8 दिनों में 2000-2020 तक के लेवल दिखा सकता है। तो इसकी जो 1960 की कॉल है करीबन 53 पे चल रही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 35 का और जो टारगेट होगा वो होगा 75, टारगेट 175, टारगेट 285। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए M&M 1960 वाली कॉल आप लेकर चलेंगे जो 52 के आसपास है, 75-85 तक के लेवल दिखा सकता है ये ट्रेड। रचना जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं भारतीय एयरटेल को चूज करना चाहूंगी। भारतीय एयरटेल ने आज एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में से अपसाइड में निकलने का अटेम्प्ट करा है, अभी चैनल से काफी क्लोज है तो यहाँ पे एक फाइनल अपस्विंग अगर आता है ये ब्रेकआउट के साथ तो एक स्ट्रॉन्ग अपू बन सकता है। फिलहाल फ्यूचर्स 1175 के करीब है, अगर हम यहाँ पे 1160 का एसएल लगा सकते हैं तो ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट 1210 और 1215 का हो सकता है।
1210 1215 का यहाँ पे टारगेट, भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स में 1160 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखाएगा। प्रकाश गावा सर, आपका चार्ट का चमत्कार क्या रहेगा आज? वेल, चार्ट का चमत्कार रहेगा अगेन माय ओन स्टॉक इंडसइंड बैंक, जो मेरे पास पोर्टफोलियो में है, ट्रेड कर रहा है 1544 पर। यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है और ये ब्रेकआउट एक अपमूव मिलेगा इसमें, और मेरे ख्याल से 1550 एक फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है, उसके बाद 1590 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्टॉक ऑफ 1535 इंडसइंड बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तेजी की गावा साहब ने दी है। यहाँ पर कुछ ही देर पहले जाते ने भी कहा कि मौका खरीदारी का अच्छा बन रहा है। मयूरेश बताइए, मिड कैप फंडा? तो नॉट मच ऑफ अ चेंज सिंस यस्टरडे, आई विल कंटिन्यू द सेम स्टॉक पॉली मेडिक्योर, क्योंकि बहुत कुछ एडिशन हम कर नहीं रहे दिस जंक्चर। दो चीजें, एक जो इसका कोर रेवेन्यू ग्रोथ है ये 23-25% या 22-24% ये रेंज में रहेगी, हमारे खुद के अनुमान में 24-25% में ग्रो होनी चाहिए। दो वजह से, एक एक्सपोर्ट कारोबार ठीक ठाक बढ़ना चाहिए, दे गॉट रीसेंट अप्रूवल्स यूएस मार्केट में 8-10 प्रोडक्ट को लेके, बहुत नेसेंट मार्केट साइज है बट मैनेजमेंट को लगता है काफी ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं अगले 5-6-8 तिमाही एज मोर एंड मोर अप्रूवल स्टार्ट कमिंग थ्रू। और दूसरी चीज, इनके जो प्लांट्स थे, 3 प्लांट्स में से 2 प्लांट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, दैट विल डेफिनेटली एड टू अ लॉट ऑफ वॉल्यूम्स एज वी मूव अहेड इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। दूसरा, जो एबिटा मार्जिन है 26% के आसपास, हमें लगता है ये मेंटेन करना कंपनी को बिल्कुल मुमकिन होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज बिकॉज ऑफ लार्जर टॉप लाइन ग्रोथ प्ले आउट होगी बैलेंस शीट के ऊपर, वैसे कोई बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं, और एक्सपेक्टेशन जो कार्डियोलॉजी रीनल सेगमेंट से इंट्रोड्यूस करेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट एज अ स्पेस लार्जली अनऑर्गेनाइज है इन द इंडियन मार्केट, और यहाँ पे अलॉन्ग विद एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज दोनों आई थिंक ग्रोथ के आसार बहुत बढ़िया है। जो इनके कोर प्रोडक्ट्स से आज ये बेच रहे हैं, IVs as an example and other medical equipments as well, I think इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी over the next few quarters, और इसलिए हमें लगता है earnings growth काफी strong और stable रहने की उम्मीद लगा रहे हैं। ये काफी parameters जो हम cancelling में देखते हैं markets पे, इंडिया पे फुलफिल होता है, हमें लगता है 18-20% की अपसाइड बिल्कुल मुंबई ने करंट लेवल से। 1510 का स्टॉप लॉस, क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसको होल्डिंग हो सकती है। ओके, तो मैं फटाफट से वो ट्रेड आपके सामने रख रही हूँ। M&M 1960 का कॉल प्रशांत ने दिया, 52 पर सजेस्ट किया, 75 टारगेट है, 85 तक जाएगा। भारतीय एयरटेल पसंद है रचना जी को, ये है FNO सुपरस्टार, 12-10 का टारगेट, आगे 12-15 भी जा सकता है। इंडसइंड में तेजी की राय प्रकाश गावा दे रहे हैं, करीब 1580 का टारगेट है पहला वाला और स्टॉप लॉस ऑफ 1525 के आसपास लगाएंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए राय आ गई है चार का चौका की। चलिए अब फोकस करते हैं IRCTC पर, और IRCTC दो दिन पहले ही हम आपको खबर बता रहे थे कि दरअसल कंपनी स्विगी के साथ हाथ मिला रही है, इससे पहले इन्होंने जोमैटो के साथ करार कर दिया था। कंपनी अब ट्रेन में स्विगी के जरिए आपको खाना डिलीवर करने का विकल्प देगी, एक हफ्ते में सेवा शुरू होने वाली है। कि क्या इंपैक्ट रहेगा, कितना बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इस सब पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले अगर आप बता सके, स्विगी के साथ जो करार हुआ है किस तरह से काम करेगा, कंपनी की आय में ये कितना और जोड़ सकता है ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट या करार? देखिए, स्विगी के साथ हमने आज इकरारनामा किया है जो नेक्स्ट 1 वीक में 4 स्टेशनों पे स्विगी की ये सेवा दी जाएगी, और धीरे धीरे 6 महीनों में इसको 59 स्टेशन्स पे हम लेकर जाएंगे। तो बट नेचुरल है कि हमारे जो रेलवे पैसेंजर्स हैं और जो स्विगी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा ये ऑप्शन दिया जाएगा और दिया जा रहा है, एंड मेरे को उम्मीद है कि ये ऑप्शन जो है पैसेंजर्स के लिए पहले और स्विगी और IRCTC के लिए उसके साथ साथ एक अच्छा बिजनेस लाके देगी। तो संजय, इसके लिए, सर्विस के लिए एग्जैक्टली क्या पैसेंजर्स को अलग से पे करना पड़ेगा, मैकेनिज्म क्या होगा इस सर्विस को अवेल करने का? देखिए, जहां तक खाने की बात है, खाने पे उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाके खाएं चाहे हमारे ट्रेन पे स्विगी के थ्रू खाएं, उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। लेकिन जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है उसके लिए कन्वीनियंस फीस निर्धारित की जाएगी जो अभी अंडर कंसीडरेशन है। तो ये स्विगी डील के तहत रोजाना फूड ऑर्डर में बढ़ोतरी आ सकती है क्या? देखिए, जहां हम लोग 50,000 प्लस पे
काम कर रहे थे कि डेली की 50,000-53,000 के लगभग में हमें ऑर्डर्स मिल रहे थे, अब वो एवरेज जो है पर डे 60,000 का हो गया है। तो ये ग्रोथ तो हमारी अभी काफ़ी अच्छी आने वाली है, स्विगी को भी लाने से और जोमेटो को भी इससे पहले हमने लाया अपने प्लेटफॉर्म पे, तो इससे आगे बढ़ने की मतलब काफ़ी इम्प्रूव करने की संभावना है। अच्छा संजय जी, पिछले 2 महीने में जो घटनाक्रम हुआ, स्पेशली जब से अयोध्या में दर्शन शुरू हो चुके हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो जो आध्यात्मिक ट्रेवल्स एंड टूरिज्म वाली पूरी की पूरी थीम है उस पर काफ़ी बुलिश भी है, उस पर काफ़ी काम भी कर रही है, काफ़ी होटल्स भी अब देखिए अयोध्या में ओपन हो रहे हैं। IRCTC को इसको कैप्चर करने का की योजनाएँ क्या है आपकी इस संदर्भ में, जो कुछ योजना है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए हम लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म में क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग किस तरह के टूरिज्म में हैं, हम मास टूरिज्म में हैं। हमारे पास जो रेलवे की एक नई पॉलिसी बनी थी भारत गौरव की, उस भारत गौरव में हम 10 ट्रेनों को चला रहे हैं और इसमें हम स्पिरिचुअल बेसिकली आप बोल सकते हैं, रिलीजियस की जगह आप स्पिरिचुअल बोलें, तो उसके हमने डिफाइंड आइटनरी की है और ये काफ़ी अच्छी चल रही है, लोगों में काफी उत्साह है, हमें अच्छी बुकिंग मिल रही है। ओके, आगे शायद होपफुली आप और नंबर्स शेयर कर पाएंगे जैन साहब जब आपसे अगली बारी बात होगी। मैं आपसे फटाफट रेल नीर के बिजनेस पर भी एक राय लेना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर हमने थर्ड क्वार्टर में भी देखा था थोड़ा सा धीमापन था, क्या नई कैपेसिटीज ऐड करेंगे यहाँ पर, किस कब से बिजनेस पिकअप होने के आसार है? हाँ, रेल नीर की कैपेसिटी करीब हमने अभी 72,000 बॉटल पर डे की कैपेसिटी बढ़ाई है और जुलाई तक 72,000 कैपेसिटी और हम ऐड कर लेंगे। ओके, तो 72,000 की कैपेसिटी और बॉटल्स की और कैपेसिटी कंपनी की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, होपफुली और लंबी बातचीत होगी एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू अपॉइंटमेंट। मेरे ख्याल में पहला इंटरव्यू है जैन साहब का IRCTC के चेयरमैन बनने के बाद। स्टॉक थोड़ा सा शांत है लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए खास ट्रेनें वो सर्किट्स तैयार हो रहे हैं, होपफुली केटरिंग बिजनेस में भी स्विगी जैसे टाइप्स के बाद कुछ पिकअप आता हुआ जरूर दिखाई देगा। वैसे काम काफ़ी अच्छा कर रहा है IRCTC, और कई बार ऐसा होता है आप ट्रेन लीजिए और अगले स्टेशन पर अगर आपको खाना चाहिए तो आप PNR नंबर भेज के वो आ जाता है, मतलब काफ़ी काफ़ी शानदार काम हो रहा है। खैर अब आगे बढ़ते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। UTI AMC के हेड ऑफ इक्विटीज़ अजय त्यागी। अजय जी गुड आफ्टरनून, CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए इस समय मार्केट में क्या व्यू बन रहा है, क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में, या अभी भी फुल्ली इन्वेस्टेड रहना ठीक रहेगा? देखिए हमारा व्यू थोड़ा सा कॉशियस है इस वक्त। हमारा ये मानना है कि मार्केट के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वैल्यूएशंस कुछ एवरेज के मुकाबले ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मिड और स्मॉल कैप्स खास करके अपने एवरेज स्तरों से कहीं ज्यादा लेवल पे या हम कह सकते हैं प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां तक प्रॉफिट बुकिंग की बात है, देखिए हमारा ये मानना है कि आम निवेशक को बाजारों में एक बहुत लंबे समय सीमा को सामने रख के निवेश करना चाहिए एंड जो है इन्वेस्टिंग इन लमसम या फिर बुकिंग प्रॉफिट्स इन लमसम, इसकी तो हम हिदायत नहीं देते हैं बिकॉज ये दिस इज इक्वलेंट टू टाइमिंग द मार्केट, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होता है। बट जरूर कुछ एक क्षेत्रों में और कुछ एक मार्केट सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं चेतावनी के संकेत आ रहे हैं, वहां पे थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो स्पेसिफिकली किन सेक्टर्स में आपको लग रहा है थोड़ी सी वार्निंग साइंस इस समय दिखने लगी है अजय जी, जहां पर शायद आप भी नया पैसा कमिट ना करें? ओवरऑल अगर हम बात करें PSU क्षेत्र की, तो PSUs के अंदर पिछले 2-3 महीनों में कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हम लोगों ने महसूस किया है एंड कंपेयर टू द बिजनेस या फिर उस बिजनेस की ग्रोथ आने वाले सालों में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि उनके स्टॉक प्राइसेस इस स्तर पे जाके ट्रेड करें। तो ओवरऑल PSUs मैं कहूंगा, जिसके अंदर PSU बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें PSU ऑयल एंड गैस कंपनीज भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे थोड़ा ओवरहीटिंग के संकेत हैं जरूर।
जहां तक डिफेंस स्टॉक्स की बात है, ये अपने आप में एक मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी है। इसको मैं वहां पे भी थोड़ा ओवर वैल्यूएशन जरूर हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज के मद्देनजर मैं इनको थोड़ा सा अलग रखूंगा। बट पीएसयू बैंक्स, पीएसयूज इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, यहां जरूर ओवरहीटिंग के संकेत है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जो टिप्पणी है उसमें क्वेश्चन झलकता हुआ, और एक दो स्पेस और सर जिनको आज हम त्यागी साहब जो आज सुर्खियों में है उसमें ऑटो में टाटा मोटर्स है, हालांकि मैं सेक्टर स्पेसिफिक आपकी टिप्पणी चाहूँगा। ज़्यादातर स्टॉक्स चाहे वो टू व्हीलर स्पेस के हों वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का सेकेंड हाफ उनको बिलोंग करता है, तो ये शायद लास्ट दो महीने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। जिस प्रकार के मंथली सेल्स फिगर हैं सर, और जो एक्सपोर्ट मार्केट जो काफ़ी समय से धीमा था जिस प्रकार से वो ओपन हो रहा है, वहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं, आपका ऑटो पे टेक क्या है इस वक्त? देखिए, ऑटो पे हमारा व्यू सकारात्मक है। आई थिंक अगर हम बहुत हाई लेवल पे बात करें तो सबसे पहला आंकड़ा जो हमारे सामने आता है वो है ऑटो क्षेत्र का पेनिट्रेशन। हम पेनिट्रेशन को ज्यादा करके ऑटो क्षेत्र में कार्स पर 100 पीपल के तौर पे उसका आकलन करते हैं। हिंदुस्तान में वो फिगर इस वक्त है 3 cars per 100 people, इसको आप 3% पेनिट्रेशन भी मान सकते हैं। अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो ये आंकड़ा करीबन 15% है, विकसित देशों में ये आंकड़ा 40-50% के करीब है। सो आप ये जरूर इससे देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ऑटो क्षेत्र आने वाले कई दशकों के अंदर एक ग्रोथ सेक्टर के सामने के रूप में सामने आएगा और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास रहेंगी। दो से तीन कंपनीज ऐसी हैं जिसमें से मारुति है, हुंडई है, एक आधी कंपनी और है जिन्होंने हिंदुस्तान के लो कॉस्ट स्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी को बहुत बढ़िया तरीके से अपने ओवरऑल बिजनेस प्लान्स में शामिल किया है। सो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जरूर रहेंगी, लेकिन एट द सेंटर ऑफ द ऑटो सेक्टर इन इंडिया हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। न्यूक्लियस वही रहेगा और हमें लगता है कि पेनिट्रेशन की वजह से ये मल्टी डेकेड ग्रोथ स्टोरी सामने रहेगी। यहाँ पे ये जरूरी है कि आपको बाजार के और कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं मॉडल्स लॉन्च करते रहने हैं। हो सकता है कि हाइब्रिड्स अगले 5-10 साल हिंदुस्तान में अच्छा करें, हो सकता है 10 साल के बाद प्योर इलेक्ट्रिक्स हिंदुस्तान में अच्छा करें। तो आपको कहीं ना कहीं R&D पे अपना जोर देना है और आपको मार्केट के साथ मूव करना है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ मूव करना है। जी ओके, तो चलिए ये आपकी राय सेक्टर पर। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आज, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में हमने वापस एक करेक्शन देखा है लार्ज कैप आईटी में। जी देखिए, आईटी में लॉन्गर टर्म व्यू अगेन हमारा सकारात्मक ही है। मैं इसको एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहता हूं, वो है कि वी आर लिविंग इन एन आईटी एज टुडे। मुझे लगता है ये आईटी एज शायद 20-30 साल पहले कभी शुरू हुई थी, मे बी 80 के दशक में शुरू हुई थी, और एवरी बिजनेस इंक्लूडिंग जो मैं कॉल आपके सामने अभी कर रहा हूँ, एवरी बिजनेस इज बीइंग इंपैक्टेड बाय आईटी। आईटी का योगदान हर क्षेत्र में है, हर कंपनी में है, हर इंडिविजुअल की लाइफ में है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आज नहीं फोरसी कर सकते, लेकिन आज के 10 साल में वो बहुत कॉमन चीजें हो जाएंगी, और वो सब टेक्नोलॉजी ही अनेबल कर रहा है। तो आईटी कंपनीज और खासकर सर्विसेज कंपनीज, हमारे हमारे देश में ज्यादा करके आईटी कंपनीज सर्विसेज कंपनीज है, विद एवरी न्यू टेक्नोलॉजी वेव इनको कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ में इनको इजाफा मिलता है, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है, जैसे आज से 7-8 साल या 10 साल पहले क्लाउड हुआ था, फिलहाल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब भी विकसित देशों में खास करके उसका इजाद होता है, उसके बाद सर्विसेज कंपनीज जाके इन टेक्नोलॉजी को अपने क्लाइंट्स के यहाँ जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए मजबूत रहेगी। हम एक आईटी युग के अंदर इस वक्त जी रहे हैं। देखिए, हर 3-6 महीने में अप्स एंड डाउन जरूर लगे रहेंगे। मार्केट, जैसा कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं, कोई भी फैक्टर को लेके प्रभावित हो सकता है, और वो फैक्टर 3-6 महीने के लिए प्राइसेस का रुख एक तरफ या किसी दूसरी तरफ रख सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है हम आईटी क्षेत्र में। जी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ कंसर्न्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट
आपकी इजाजत हो तो त्यागी साहब, सीएलएसए ने भी इस पर एक डिटेल रिपोर्ट निकाली, कई सारे स्टॉक्स पर थोड़ा सा सेल कॉल दिया है, उसका एक अंश हमारे दर्शकों के सामने भी पेश कर देते हैं। दीपाली हमारे साथ हैं वो डिटेल्स के साथ। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने इंडियन आईटी जायंट्स को डाउनग्रेड किया है और TCS HCL Tech की रेटिंग अंडर परफॉर्म से घटाकर सेल की है। वहीं विप्रो और L&T Mindtree की सेल रेटिंग को रिटेन किया है। CLSA का मानना है कि नवंबर से लेकर अब तक यानी पिछले चार महीनों में निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 23% निफ्टी आईटी इंडेक्स चला है और निफ्टी 50 को भी बाय 10 परसेंटेज पॉइंट्स आउट परफॉर्म किया है। और इस तेजी के पीछे दो तीन इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं, एक तो यूएस की बॉन्ड यील्ड जो कि सॉफ्टन हुई है बाय 50 बेसिस पॉइंट, साथ ही हाइपर स्केलर्स की तरफ से जो डिमांड कमेंट्री रही वो इम्प्रूव होती हुई दिखी, और एआई को लेकर जो हाइप बना हुआ है साथ ही एनवीडिया की रैली से भी सपोर्ट मिला है पिछले चार महीने की तेजी को। हालांकि अब सीएलएसए का मानना यह है कि बैंकिंग, रिटेल या फिर जो टेलीकॉम जो कि की वर्टिकल्स हैं इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, इन वर्टिकल्स की परफॉर्मेंस को लेकर जो आउटलुक है वो 2024 वो 2023 आउटलुक से ज्यादा अलग नहीं है, इसीलिए शायद वो इस रैली पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। सीएलएसए ने एक चीज और हाईलाइट की है और जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी ग्लोबल आईटी कंपनीज ने कैलेंडर 2024 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जारी किए, चाहे वो कॉग्निजेंट हो, जेनपैक्ट हो, ग्लोबेंट हो, उन्होंने इन वर्टिकल्स की परफॉर्मेंस पर बातचीत नहीं की है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी पैरामीटर्स को देखते हुए ये गाइडेंस जारी की है जिस पर सीएलएसए को भरोसा कम है। साथ ही सीएलएसए का मानना यह भी है कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुकी हैं और वो आगे की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें डर है कि जो आगे के एस्टिमेट्स होंगे वो डाउनग्रेड हो सकते हैं, जो कि अर्निंग एस्टिमेट्स हो सकते हैं। सीएलएसए का मानना है कि HCL Tech Infosys जब अप्रैल 2024 में ग्रोथ गाइडेंस देंगे जो कि मिड सिंगल डिजिट में रह सकती है, जो कि एक नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगी, और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से सीएलएसए ने इंडियन आईटी जायंट्स को डाउनग्रेड किया है। तो क्लियरली एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक डाउनग्रेड आता हुआ सीएलएसए का और उन स्टॉक्स में दबाव भी बनता दिखाई दिया है। यहाँ से अगर पिवट करें और बैंक्स और एनबीएफसीज की स्पेशली बात करें, त्यागी जी यहाँ पर आप किस तरह से पोजिशनड है, क्योंकि सरकारी बैंकों में एक बहुत तगड़ा मूव आने की पूरी उम्मीद थी, वो स्क्रीन पर भी दिखाई दिया। कुछ देर पहले हम वो खबर भी पढ़ रहे थे कि ब्लूमबर्ग दरअसल भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में 2025 से जोड़ने वाला है, इसका भी कुछ इम्पैक्ट ऑफकोर्स बॉन्ड प्राइसेस पर आगे आएगा, ओवरऑल सरकारी बैंकों के सेंटिमेंट पर आएगा। ये जगह क्या अब एकदम राइप है नई पोजीशंस, नई खरीदारी के लिए? जी देखिए, हमारा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। हमारा मानना ये है कि जहां तक एग्जीक्यूशन की बात है, जहां तक सर्विस डिलीवरी की बात है, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक कहीं ज्यादा बेटर पोजिशन है, और मार्केट शेयर गेन जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वो जारी रहेगा अभी भी, और पब्लिक क्षेत्र के बैंक्स जो है मार्केट शेयर अपना लूज करते रहेंगे। कस्टमर प्रेफरेंस कहीं ना कहीं, अगर आप हिंदुस्तान में हर चीज को हम यू नो युवा के माध्यम से आकलन करने की कोशिश करते हैं, जो देश का युवा है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ जुड़ना चाहता है। एट द सेम टाइम अगर आप टैलेंट की बात करें, टैलेंट भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ ही ज्यादा जुड़ना चाहता है। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत जरूरी है कि आप बहुत बेहतरीन एक टीम खड़ी करें जो बेहतरीन सर्विस दे सके। हमारा ये मानना है कि सर्विस क्वालिटी विल बी बेटर विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, देयरफॉर उनका जो है मार्केट शेयर गेन जारी रहेगा। और जहां तक वैल्यूएशंस की बात है, तो जो चौंका देने वाली चीज है वो ये है कि इस वक्त, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, बाजार अपने एवरेज स्तर से हमारे हिसाब से करीबन 25-30% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, और उस बाजार इस फिलहाल जो बाजार है उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो एवरेज से कहीं ज्यादा लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और मैं समझता हूं कि ये ना केवल बहुत बेहतरीन बैंक्स हैं बल्कि बहुत बेहतरीन कंपनीज हैं हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत के अंदर, ये जो है अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से करीबन 25-30% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत स्पष्ट है और एक तरह से बहुत एक सरल डिसीजन है कि फिलहाल वेल मैनेज्ड बैंक्स जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, उनमें जो है एक पॉजिटिव रुख और एक सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है, एंड होपफुली लॉन्ग टर्म के अंदर दैट इज अ बेटर बेट। जी ओके,
त्यागी जी, कभी कभी कोई स्पेस, कोई सेक्टर या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कॉन्ट्रा कॉल के लिए किसी प्राइस पर बड़ा वाजिब सा रखता है। केमिकल जो कि पोस्ट कोविड सबसे स्ट्रॉन्ग थीम थी, लास्ट एक साल में प्राइस डैमेजेस हुए हैं, इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंड की, इंटरेस्ट बर्डन बढ़े, अब प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, सप्लाई है ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी चाइना की तरफ से, यूरोप की डिमांड काफ़ी कम, बट ये प्राइस डैमेज जो इन सभी के अगेंस्ट हुआ है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्या आपको वो लेवल पे स्पेस में एंट्री करने के लिए? जी ये अच्छा सवाल है। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको अपनी राय रखूं कि फिलहाल हमें केमिकल स्टॉक्स और केमिकल क्षेत्र कैसा लग रहा है, हमको ये समझना जरूरी है कि 2020 और 21 में ये केमिकल स्टॉक्स एक बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे भी चले गए थे। हालांकि जरूर कहीं ना कहीं इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग रही है केमिकल जगत में, जिसकी वजह से हमारे निजी केमिकल कंपनीज को जो है एक्सपोर्ट के अंदर दिक्कत आई है पिछले 12 से 18 महीनों में, लेकिन जो ज्यादा बड़ा कारण रहा है इनके अंडर परफॉर्मेंस का वो रहा है इनके वेरी हाई वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं जरूर करेक्ट हुए हैं, मैं नहीं समझता कि वैल्यूएशन अभी भी प्री 2020 के स्तर पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी काफी करेक्ट हो गए हैं। जहां तक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, देखिए चाइना के साथ जियोपॉलिटिकली जो हो रहा है वो हम सब जानते हैं। पिछले 2-3 सालों से हम चाइना प्लस वन के बारे में सुन रहे हैं, और चाइना प्लस वन जो है कई क्षेत्रों के अंदर हिंदुस्तान की कंपनियों को बेनिफिट करेगा, उसमें से केमिकल क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चाइना प्लस वन के साथ साथ हम आउट ऑफ चाइना भी एक चीज सुन रहे हैं, जिसका मतलब है कि ना केवल आपको चाइना से बाहर डाइवर्सिफाई करना है, बट कोशिश करके आपको चाइना से कंप्लीटली बाहर भी निकलना है। तो केमिकल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगी बिकॉज ऑफ चाइना के ऊपर जो रिलायंस ग्लोबल कंपनीज अपना कमजोर करेंगी और या फिर अपना कम करेंगी रिलायंस चाइना के ऊपर। तो जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, हो सकता है थोड़ा बहुत डाउनसाइड बची हो, लेकिन ओवरऑल हमारा ओपिनियन कंस्ट्रक्टिव है ऑन द केमिकल सेक्टर फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जी बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे आज बात करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एंट्री करते हैं, कल की तैयारी करेंगे अब हम। तो पहले शुरुआत करते हैं बीटीएसटी कॉल्स के साथ, उसके बाद स्ट्रेटजी पर आएंगे। गाबा सर बताइए क्या कैरी करेंगे? आई थिंक मैं करूंगा पंजाब नेशनल बैंक, बैंकिंग क्षेत्र से ट्रेड कर रहा है 129, स्टॉप होगा 128, सिर्फ 1 रुपए, टारगेट 135 के नजर आते हैं, इसमें ब्रेकआउट मिला है पंजाब नेशनल बैंक 135 के लिए। पीएनबी में तेजी का ट्रेड, मानस आपका ट्रेड? देखिए मदरसन पे खरीदारी, संवर्धन मदरसन में खरीदारी करने की राय रहेगी, इसके फ्यूचर में भी आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो जो इसके फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो 125.35 चल रहा है, तो करेंट लेवल्स पे आप मदरसन के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 121.90 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 132 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। इसके ऑप्शन में 125 वाले कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 5.45 रुपए पे 125 वाला कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर 3.90 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 9 रुपए के टारगेट के लिए। ओके समदर मदरसन 125 की कॉल है, आप इसे पिक कर सकते हैं, फ्यूचर से पिक कर सकते हैं। श्रीकांत आपका ट्रेड क्या कैरी करेंगे आप वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? देखिए तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक मिक्स ट्रेंड में है, और यहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स में हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है और कुछ एक स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस लोस को भी तोड़ा है। यहाँ पे हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस जो 6310-6315 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसे शॉर्ट करके चले, 6400 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स नजर आते हैं तकरीबन 6000-6050 के, तो करंट लेवल से बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करने की राय रही। बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करने की राय करंट लेवल से, रचना जी लॉन्ग या शॉर्ट? लॉन्ग करेंगे, पॉलीकैप को कैरी करेंगे। पॉलीकैप में हम यहाँ पे 4880 पे ऐसे लगाएंगे फ्यूचर्स के हिसाब से, बहुत जल्दी ये काउंटर हमें 5000 क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए, तो 5000 और 5050 का यहाँ से 50 और 100 रुपीज का टारगेट लगाएंगे और फिर यहाँ से करीब करीब 50 रुपीज का एसएल लगेगा। सो 4880 इज एसएल एंड 5000 और 5050 इज टारगेट। ओके तो एक अच्छा मौका पॉलीकैब में 5050 के लिए तेजी का ट्रेड। देखिए कार्यक्रम की शुरुआत से कार्यक्रम के अंत तक पॉलीकैब की ही काफी चर्चा हुई और एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है स्टॉक ने। प्रशांत आपका ट्रेड क्या रहेगा?
तो हर्षा जी, मैं अगर आज के सत्र में देखूं तो आईजीएल ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है, ब्रेकआउट के जस्ट कगार पे, बट जो वॉल्यूम है वो बहुत स्ट्रांग है, तो मैं आईजीएल रेकमेंड करना चाहूंगा। 458 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 444 444 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा स्पॉट में। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 480 से लेके 485 485। ओके, देखिए यहाँ पे कॉल्स पूरी हो गई, अब बाजार की प्लेसमेंट और रणनीति पे आते हैं। इंडेक्स की, इंडेक्स लेके आइए इसकी इनपुट्स 22352। इस कैंडल को देखने के दो नजरिए हैं अनुज, लोअर लेवल से रिकवरी, बैंक्स की अच्छी परफॉर्मेंस और स्टॉक स्पेसिफिक भी मूव काफी स्ट्रॉन्ग थे। अनुज, इस कंसोलिडेशन को क्या नाम दें और कल के लिए ट्रेड कैसे कैरी करें निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? देखिए वीरू, मैं एक चीज कहूंगा, मैं थोड़ा सा बहुत समय के बाद मार्केट में एक टेक्सचर को देख के थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि निफ्टी बढ़िया है, निफ्टी बैंक बढ़िया है, लेकिन दो चीज़ें मुझे बस थोड़ी सी तंग कर रही हैं। एक तो निफ्टी आईटी जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, और एक मिड कैप इंडेक्स जिस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो ऐसे मैंने कहा कि निफ्टी ठीक है, बैंक निफ्टी ठीक है, और लेकिन जो आईटी इंडेक्स स्ट्रेटजी पे आते हैं बाद में, पहले एक बार जरा जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो दिखा देते हैं एक बार। तो वो थोड़ा सा मुझे ख़राब लग रहा है जिस तरीके से निफ्टी आईटी, क्योंकि निफ्टी आईटी लीडर भी था मार्केट का, वो जिस तरीके से गिरा है पिछले 3-4 दिन में और बिल्कुल भी रुका नहीं 20 डेमा पर, वो एक साइन है थोड़े से कि शायद डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और मिड कैप में खास तौर से पिछले 3-4 दिन का एडवांस डिक्लाइन देखिए। तो अब आते हैं स्ट्रैटजी पर। मेरे ख्याल से लार्ज कैप ठीक ठाक है, लार्ज कैप में अभी भी दिक्कत नहीं है स्पेशली बैंक निफ्टी में, लेकिन मिड कैप में क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइन अभी 2 हफ्ते से चल रहा है वैसे मिड कैप्स में डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत लोगों ने कंप्लेन किया कि 2 हफ्ते से थोड़ा उनको मिड कैप में इतना पैसा नहीं बना जितना वो पहले बन रहा था। तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से इंडेक्स में अभी भी आप लॉन्ग रहें, खासतौर से बैंक निफ्टी में। हालांकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है। आप चाहे SBI देखिए, चाहे HDFC बैंक देखिए, चाहे इंडसइंड बैंक देखिए, एक्सिस देखिए, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट सारे स्ट्रांग है। तो इसके लिए अगर आपको कैरी करना ही है ना, तो बैंक निफ्टी कैरी करिए, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बेटर है। ओके, बैंक निफ्टी प्लेस्ड अच्छी तरीके से है, और जो अनुज ने यहाँ पे संदेश जाहिर किया है दैट्स ऑन निफ्टी इज जस्ट बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी याद रखिएगा, आज जो मेरे स्क्रीन पे लेवल्स हैं उसके मुताबिक बिल्कुल, मतलब 1020 का नेगेटिव क्रॉसओवर प्लस आज इसका जो लो था, आज जिस ट्रैजेक्टरी में बंद हो रहा है निफ्टी आईटी 36714, याद रखिएगा दिस इज 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी आईटी। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें मिड कैप्स को लेकर और निफ्टी आईटी को लेकर संदेह, लेकिन बैंक निफ्टी पे लॉन्ग्स कैरी करिए, लार्ज कैप्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, रणनीति का सार ये। अब आते हैं एक बार जरा ब्रेथ को देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ आएगी डेरिवेटिव्स में, आज की ब्रेथ कैसी थी उसको थोड़ा टटोलते हैं, फिर आगे कुछ और स्टॉक्स को मार्क भी करेंगे। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे 52 लॉन्ग, यस स्क्रीन पे एक चीज़ है जो बात जिस शब्द का इस्तेमाल अनुज ने किया यहाँ पे, साइन ऑफ स्लाइट डिस्ट्रीब्यूशन आई मीन स्पेशली इन मिड कैप्स वो नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट देखिए 92 की फिगर्स हैं, और मतलब ये लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग की कंसोलिडेट फिगर 62 है, उससे लगभग आप समझ लीजिएगा कि 30% ज्यादा है शॉर्ट की फिगर, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 20 यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी। अब आते हैं टाटा केमिकल स्टार ऑफ द डे, आई थिंक आज का स्पॉटलाइट भी था संवर्धन मदरसन, अभी मानस ने कैरी भी किया, हम डिस्कस भी कर रहे थे कार्यक्रम में, टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई विद अनदर स्ट्रॉन्ग स्विंग, पॉलीकैब इस कार्यक्रम में हमने पकड़ा भी, और आई थिंक ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजरी बंद हो रहा है पोस्ट आई थिंक 9th January। आज बैंकों में स्ट्रॉन्ग मूव था, आई थिंक लगभग 12:30 के आसपास बैंक निफ्टी ने स्विंग दिया फ्रॉम आई थिंक 47350 करीब करीब 47700 तक का। बैंक ऑफ बड़ौदा ONGC लगभग 2015 के बाद की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में क्लोज हो रहा है। आयुषर मोटर्स, कोल इंडिया और सन फार्मा में काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। अगली स्लाइड में आते हैं प्रेशर पॉइंट्स क्या थे, RBL बैंक, पिरामिड एंटरप्राइजेस, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, B2 दोनों प्रेशर में रहे, और अगर तापमान थोड़ा सा बढ़ रहा है तो वोल्टास गिर रहा है, ये लाजमी है, ये ऐसे ही होता है। बाकी BHL, इंडस टावर्स, इंडियन सीमेंट, स्टिक्स एंड टेक्नोलॉजीज और रिपका लैब, ये वो कुछ काउंटर्स जहाँ पे आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लॉन्ग्स जो थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। आपकी स्क्रीन पर एक चीज़ और लिखा आइएगा दैट्स वेदांता, एक बार डायरेक्टर साहब ये स्टॉक रखिएगा, मेरे स्क्रीन पर बहुत देर से अपियर होता हुआ, जरा देखें क्या कर रहा है ये एट 28655। वेदांता का ये क्लोज मेरे ख्याल से 17 जुलाई के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज होता हुआ, और मैं इस पे वॉल्यूम्स मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन प्रशांत आपका टेक वेदांता पे इस वक्त?
वीरू जी, अगर हम ओवरऑल मेटल इंडेक्स को देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ा एक अच्छी मुख के बाद कंसोलिडेट कर रहा था, बट इसमें वेदांता आउट परफॉर्म कर रहा है। इसकी जो क्रूशियल लेवल थी 280-282 इसके ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसको कैरी करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 280 के जस्ट नीचे 279-278। पोजिशनली आपका टारगेट अब आना चाहिए 310। जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है वो रेंज का जो डेप्थ है वो रेप्लीकेट होके आपको कंफर्टेबली 310-315 तक के लेवल्स मिलने चाहिए। और आप देखिए HDFC बैंक को, मैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन समझा रहा था ना, कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन अनुज, ये बैंक निफ्टी में जो आप कंफर्ट आपको मिल रहा है वर्सेस आई थिंक निफ्टी, क्या किसी भी स्टॉक में बाइंग आए उससे पहले ये जरूरी है कि सेलिंग थम जाए? सेलिंग थमने के इंस्टेंसेस मिल रहे हैं HDFC बैंक में, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है? नहीं बिल्कुल वीरू, मेरे ख्याल से इस देखिए एक महीने का चार्ट दिखा रहा है आपको, 14 डे का भी चार्ट दिखा रहा है, 10 वीक का चार्ट भी दिखा रहा है कि पैसा बना नहीं हो भले लेकिन टूटा भी नहीं है, एक महीने का चार्ट, और ये क्लासिकल टाइम करेक्शन है। मेरे ख्याल से प्राइस करेक्शन ना वीरू खत्म हो चुकी है HDFC बैंक में, अब टाइम करेक्शन चल रहा है, जो हमने एक डिस्कस भी किया था कि एक बड़ी प्राइस करेक्शन के बाद नॉर्मली स्टॉक्स में एक टाइम करेक्शन आती है। ये मेरे ख्याल से हो सकता है और 15-20 दिन चल जाए, हो सकता है और एक महीना भी चल जाए, पॉसिबल है। बीच में जो फेजेस आएंगे, आज जैसा दिन भी आएगा, बीच में जो फेजेस आएंगे इसमें गिरेगा भी वापस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि मोटा मोटी बॉटम बना है समवेयर अराउंड 1400 के आसपास, कहीं ना कहीं एक बॉटम बना है HDFC बैंक में। अब वो एग्जैक्टली 1400 पर ही है या 1380 पर है या 1420 पर है, ये कंजेक्चर का मामला है, लेकिन प्राइस करेक्शन खत्म हो गया है, ये साइन है। अब हो सकता है कि तोड़ दे, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ लगूँ वो अलग बात है, लेकिन एक स्क्रीन बता रही है कि प्राइस करेक्शन खत्म हुआ है कुछ हद तक, अब यहाँ से एक टाइम करेक्शन की शुरुआत होगी। अब वो टाइम करेक्शन कितने टाइम लास्ट करेगा, कब तक चलेगा, ये तो खैर नोबडी नोस, और उसके बाद शायद एक अपमूव स्टार्ट हो, प्रोवाइडेड नंबर्स अच्छे आने शुरू हो जाएँ। रैली तभी आएगी जब या तो नंबर्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, कमेंट्री में ये बोलना शुरू हो जाएगा कि अब नंबर्स अच्छे आएंगे, रैली तभी आएगी। बिल्कुल। और अच्छा एक बार जरा ये रही HDFC बैंक पेरिटर स्टेक, इस बीच जरा आप लिखाइए निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, दैट मीन्स अगर आज मैं कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूं तो ये 14th फेब के बाद सबसे बड़ा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का इंटरडे स्विंग है, और अगर मैं इसके सबसे स्वर्णिम काल की बात करूं तो मेरे ख्याल से ये मूव पूरा का पूरा शुरू हुआ था समवेयर अराउंड अप्रैल 2023 के आसपास, मतलब जो सबसे अच्छे दिन थे ना PSU बैंक इंडेक्स के, उनमें से ये एक दिन रहा। आपकी स्क्रीन पे 7327 पे लगभग 188 अंकों पर, लुक एट PNB एट डे हाई, SBI एट डे हाई, केनरा बैंक एट डे हाई, बैंक ऑफ बड़ौदा एट डे हाई। तो आज प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक या फिर जिससे कहते हैं ना, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्पेस रहा वो तो रहा PSU बैंक इंडेक्स। एक स्टॉक और रखेगा आपकी स्क्रीन पे जो कि अच्छा क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, अभी हमने स्पॉट भी किया था, अनुज ने टिप्पणी भी की थी, मानस ने कॉल भी दी थी इस पे, एंड दैट्स संवर्धन मदरसन 126। क्या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था इस पे मानस आपका, अब क्योंकि ट्रेड कैरी है तो उस पर टिप्पणी की बात नहीं बनती, बट एक बार जरा प्लीज फ्यूचर्स के OI लिखाइएगा, OI इसमें बहुत सब्सटेंशियल ऐड हुआ है और डे हाई की डायरेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ ये। हर्षदा जी हाँ, एक बहुत अच्छा मूव उस स्टॉक में पानुच वीरू, साथ ही IGL आपको याद होगा प्रशांत ने मेंशन किया था, वो भी लगभग डे हाई के आसपास जाकर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा, तो वहां पर भी हमने देखा है करीब 2-2.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। लेकिन एक चीज रह गई है, जैसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं जो निफ्टी को थोड़ा सा पीछे और खींच रहा है, तो IT का योगदान था ही, लेकिन रिलायंस का भी पार्टिसिपेशन नहीं, कंसीडरिंग RIL में एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला था एटलीस्ट लास्ट वीक तक, जो 3000 के चक्कर काट रहा था, अब थोड़ी सी थकावट है और उसके बाद पिकअप देखने को मिलेगा। बहुत चल चुका है वैसे रिलायंस, बहुत बड़ा स्टॉक है, इस चीज को भी ध्यान रखिए हर्षदा। मेरे ख्याल से रिलायंस में कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन है क्योंकि बड़ा चला है स्टॉक का, लेकिन लीडरशिप अभी भी रिलायंस के पास है, लीडरशिप अभी भी रिलायंस के पास ही इन द एब्सेंस ऑफ IT, तो रिलायंस मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ से चलेगा और चलना चाहिए। ऑब्वियसली आपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर पूछे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो, क्योंकि वो चैनल को ओन करता है, लेकिन सबसे बड़ा स्टॉक है इसके लिए इसकी बात कर ली। लेकिन हजता मेरी नज़र 2-3 स्टॉक्स पर जा रही है, मैं उनको मेंशन करना चाहता हूँ। एक है वेदांता, एक बार आप वेदांता का चार्ट लेकर आइए, अरे एकदम से ब्रेकआउट आया वेदांता में, 285 वो लेवल था जिसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आना था,
एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है जोमैटो। एक बार जरा जोमैटो लेकर आइए आप स्क्रीन पर। जोमैटो अब डीलो पर आ गया है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा बज़ चल रहा है कि वो एंटफिन का जो बहुत बड़ा हिस्सा बचा हुआ है वो शायद बेचने की तैयारी हो रही है। वो बड़ा बड़ा माल है वो उनके पास, करीब करीब आई थिंक अगर मेरी मेमोरी सही है तो 40-50 करोड़ से ज़्यादा शेयर है उनके पास शायद। तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त हुए हैं और तो जोमैटो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बज़ है। इवन वेदांता में भी काफ़ी टाइम से बज़ चल ही रहा है कि प्रमोटर्स बेचेंगे और एक जो बड़े नाम फंड का नाम आ रहे हैं कि वो लेंगे। तो काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़े मूव्स आ रहे हैं इस समय। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी इंटैक्ट हैं फुल्ली मार्केट में। जी हाँ, तो कुछ खास काउंटर्स जहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ, लेकिन लार्जली आज का दिन आप कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है निफ्टी बैंक के लिए। 100-150 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट श्रीकांत, जाते जाते जो कुछ ट्रेड्स जमे हैं, जो वेदांता का जिक्र वैसे भी अनुज कर रहे थे, और आई डोंट नो कल वीरू आपको याद होगा जब स्टील कंपनियां करेक्ट कर रही थी, हम बेस मेटल्स की बात कर रहे थे, वेदांता में अच्छा खासा मोमेंटम कल से वो फॉलो थ्रू आया है। ये 310 वाला कॉल किराए जो प्रशांत ने दी है वो तो इंटैक्ट है ही ट्रेड, लेकिन श्रीकांत क्या आपको लग रहा है और फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा, वो वॉल्यूम्स में भी नजर आने लगा है? बिल्कुल, तो यहाँ पे जो मोमेंटम बना है वेदांता का वो इनफैक्ट देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग बना है और मुझे भी लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 300 के लेवल्स दिखा सकता है। इनफैक्ट ये स्टॉक अगर देखा जाए तो काफी प्रेशर में था, बट एट द सेम टाइम अगर इसके वॉल्यूम पैटर्न को देखें तो वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल वॉल्यूम्स के साथ ही ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जब मार्केट में एक गिरावट आने के बाद भी जब स्टॉक गिरता नहीं है तो उसमें एक रिवर्सल एक्टिविटी की शुरुआत होती है और आज वही हुआ है। काफी अच्छी क्लोजिंग है। इनफैक्ट अभी जो इमीडिएट स्विंग हाईएस्ट लेवल्स थे 285 के, उन लेवल्स के ऊपर ये कॉन्फिडेंटली क्लोज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी विकास ने कहा, मुझे लगता है कि यस, ये स्टॉक 300 के लेवल्स को भी पार कर सकता है। मीनवाइल BHEL यहाँ पर वो एक्चुअली कल इसीलिए चला था फ्रैंकली, मतलब कल हमने बात भी की थी इसको, मैंने बिग स्टॉक एक्जेक्टली इसी प्लांट को लेकर बात की, इसी प्लांट को लेकर बात की थी। पहले क्लियर हो चुका था कि वाला जो प्लांट है ये उसको BHEL ही बनाएगा और कल हमने इनफैक्ट आज मौका दिया था BHEL ने फिर, और सुबह अच्छा खासा मूव अब लोअर लेवल से यहाँ पर आ रहा है BHEL में। कल ध्यान रखिएगा ये स्टॉक चला था करीब करीब 12-13% और आज सुबह थोड़ी सी करेक्शन आई इसमें, लेकिन ये मतलब मुझे हैरानी नहीं है कि ये फाइनली आ गया, क्योंकि आई थिंक पहले एक बार क्लैरिटी आई थी, कल पता नहीं क्यों मना किया इन्होंने, मुझे समझ नहीं आया अगर इन्होंने मना किया कल, इन्होंने उनको लगा कि मैं हम डिस्क्लोज कर देते कि हम L1 बिडर घोषित किए गए, हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आया है। हाँ, वो बस फॉर्मेलिटी से बिडर एक ही था, इशू ये था कि बिडर एक ही था, बिडर एक ही था, तो ऑब्वियसली वो BHEL को ही बनाना था वो। तो खैर यहाँ पर गाबा सर आपका ट्रेन छूट गई है BHEL की? वेल छूट तो नहीं गई है, थोड़ा डिप आने दीजिए फिर एक आपको मिलेगा। 250 सेंट पर ट्रेड कर रहा है, बार बढ़िया है, या तो फिर कल का हाई पार कर ले या आज का हाई पार कर ले वहां एक ट्रेड बनेगा। फिलहाल थोड़ा रिस्की है बैट, लेकिन ट्रेड अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, थोड़ा स्ट्रेच है बस। इंट्राडे में वैसे 16% भागा था, फिर क्लोज 12% का आया, लेकिन आज फाइनली ये हम ऑफिशियली कह रहे हैं कि 2 800 मेगावाट के प्लांट्स ये बनाएंगे NTPC के लिए। वही सिंगरौली वाला मामला है जो कल कंपनी कह रही थी कि अब तक हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन अब वो अपडेट आ चुका, तो वो 9,500 करोड़ तक का ऑर्डर है जो कंपनी बैक कर रही है। अच्छा, जाते जाते एक बार देखिएगा ये सिप्ला सनफार्मा जैसे ट्रेड, सन तो आज ऑफकोर्स 1.5% ऊपर था, सिप्ला में थोड़ी सी कुछ निबलिंग हुई है, हल्की फुल्की खरीदारी कर रहे हैं लोग, मानस कोई ट्रेड लाइक सिचुएशन है क्या कल के लिए 0.5% ऊपर अब? तो बिल्कुल देखिए, ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक पिछले हाई को ब्रेक करके 1510 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, 1460 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 1510 के टारगेट सेट करिए। ओके, BHEL में जो हुआ ही है इसको आप बोल सकते हैं सिंगरौली की गुगली है ना, 271 कल डे हाई पे था, 16% ऊपर था, फिर खबर आई, खबर क्या है, मीन कंपनी ने टिप्पणी करी कि अभी ऑर्डर का आवंटन नहीं हुआ है, स्टॉक नीचे आया, लीजिए फाइनली अगर आप देखें स्टॉक मिल गया, मतलब ऑर्डर इनको मिला और स्टॉक डे हाई पर रहा।
निफ्टी पीएसई इंडेक्स सीपीएसई इंडेक्स क्लोज हो रहा है डे हाई पर, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है डे हाई, तो पीएसयू थीम आज एक बार फिर से डिलीवर करते हुए और स्ट्रॉन्ग डिलीवर करते हुए। कुछ काउंटर्स जो कि इस कार्यक्रम में डिस्कशन हुए, मदरसन संवर्धन, मदरसन आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे 27.10 क्या शार्प एज था इस स्टॉक में, टाटा केमिकल आज की स्पॉटलाइट, और एक बार जरा लेके आइए पीएसयू बैंकिंग बास्केट में पीएनबी। पीएनबी मेरे ख्याल से इस प्राइस के साथ है 130-125 पे, ये इसकी इस दौर की हाईएस्ट क्लोजिंग रहेगी। और एक रिवर्सल एक बहुत अच्छा अगर आप देखें लोअर लेवल से नीचे आया आज अपोलो टायर्स में 543.70 पे आज डी हाई पे जाके क्लोज होता हुआ और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। और पॉलीकैप ये भी स्टॉक हमने जो मार्क किया था 4941 पे और ये भी ऑलमोस्ट डे हाई के क्लस्टर पे जाके क्लोज होता हुआ। तो आज भले ही इंडेक्स में जो झारूपन रहा हो, निफ्टी में निफ्टी बैंक में क्लियर कट स्विंग था, निफ्टी आईटी में डिसअपॉइंटमेंट था, बट अगर आप स्टॉक स्पॉटिंग अच्छी करते हैं तो इस बाजार में आपको कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, बेहतरीन स्विंग मिले। लेकिन इस क्लोज को देखने चलते हैं, आइए अब बड़े बॉल पे हर्षदा। जी इनफैक्ट यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, करीब 2.5 मिनट बाकी हैं, एक दो ट्रेड्स कैश वाले भी मेंशन कर देते हैं, फिर अनुज आपको बताएंगे पूरी पिक्चर किस तरह की क्लोज बन रही है वॉल पर। टाटा केमिकल स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे, करीब 5-5.5% का मूव देखने को मिला है आज। IIFL फाइनेंस में जो लोअर सर्किट रहा, मुथूट मनप्पुरम सब स्टॉक्स में तेजी उसके सामने रही, इनफैक्ट कैथलिक सीरियन बैंक जैसे काउंटर्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। लास्ट आर में काउंटर्स में अच्छा खासा मूव बनता दिखाई दिया है, लेकिन कुल मिलाकर निफ्टी बैंक आज का हीरो साबित हो रहा है अनुज, निफ्टी ने भले ही थोड़ा सा हाथ खड़े किए हों। हाँ नहीं बिल्कुल, और निफ्टी बैंक पर थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर व्यू बन भी रहा है आज तक कि यहाँ से अगर इंडेक्स अगर आपको लॉन्ग रहना है तो आप निफ्टी बैंक में लॉन्ग रहिए क्योंकि वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर प्लेस्ड है क्योंकि आईटी जिस तरीके से गिर रहा है। खैर वॉल पर चलते हैं और आज की क्लोजिंग देखते हैं। निफ्टी करीब करीब 50 पॉइंट नीचे 22,354 पर, लेकिन ध्यान रखिए डे लो से शानदार रिकवरी 100 पॉइंट की रिकवरी के साथ, लेकिन बैंक निफ्टी में रिकवरी ज़्यादा स्ट्रांग थी, करीब करीब 47,200 का लो था तो करीब 400 पॉइंट की रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। लेकिन निफ्टी आईटी देखिए ये प्रॉब्लम का पॉकेट मार्केट के लिए, 0.25% गिर गया आज। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था लेकिन थोड़ी सी गिरावट थी यहाँ पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली मिड कैप इंडेक्स में लास्ट के एक घंटे में ठीक ठाक रिकवरी आई, स्मॉल कैप में भी स्मॉल कैप में गिरावट थी लेकिन 1% की, और इसके लिए एडवांस एक्लंग खराब था 778 एडवांसेस और 1529 डिक्लाइंस, इस समय आपको ट्रेड में दिखाई देंगे। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स में अच्छा मूव करीब करीब 1% का, पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.5% ऊपर, यहाँ पर क्लियर कट ब्रेकआउट आज एक फ्रेश ब्रेकआउट पीएसयू बैंकों में। निफ्टी ऑटो यहाँ पर टाटा मोटर्स का इंपैक्ट 1.5% ऊपर, मेटल्स फ्लैट थे कोई खास मूव नहीं यहाँ पर, उसके अलावा FMCG 1% नीचे था, फार्मा करीब करीब 1/4% नीचे और पावर इंडेक्स, बाकी इंडेक्सेस आएंगे आपकी स्क्रीन पर। और अब एक बार जरा निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं कि कहां पर तेज़ी कहां पर मंदी इस समय आपको दिखाई दी। सबसे ऊपर ऑब्वियसली टाटा मोटर्स आज का टॉप गेनर करीब करीब 3.5% ऊपर, भारती एयरटेल में शानदार मोमेंटम फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक 3% ऊपर, बजाज ऑटो में फ्रेश ऑल टाइम हाई, SBI में फ्रेश ऑल टाइम हाई, ONGC सनफार्मा कोल इंडिया सिप्ला तो काफ़ी स्टॉक्स थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा जहां पर मोमेंटम इंटैक्ट था। नीचे क्या रहा आज बजाज फिनसर्व ने कैपिटल रेजिंग का एक बोर्ड अप्रूवल लिया उसके बाद ये स्टॉक गिरा एकदम से 4.5%, आई थिंक इक्विटी डायल्यूशन की कंसर्न्स को लेकर बजाज फाइनेंस भी 4% नीचे था। और उसके बाद IT स्टॉक्स इन्फोसिस TCS LTI माइंडट्री HCL टेक विप्रो टेक महिंद्रा सभी स्टॉक्स में जो है आज आपको डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर कई ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर अभी भी तेजी के ट्रेंड बनता दिखाई दिया है और उसमें ऑफकोर्स आज का बड़ा मूवर टाटा मोटर्स था, लेकिन मंदी की तरफ आईटी काउंटर्स लगातार परसिस्ट कर रहे हैं। चलिए सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला रिटर्न्स देखेंगे तो नीरज ने जो आउट परफॉर्मर्स दिखाए थे वो मंदी की तरफ के थे, रामकी इंफ्रा TCS HCL टेक और टाटा कॉम्स जो करीब 0.5% ऊपर रहा है आज ट्रेड के दौरान। वहीं अगर आप आशीष का परफॉर्मेंस देखें तो IIFL फाइनेंस ये 20% के लोअर सर्किट पर था, ये मंदी का ट्रेड था। टाटा मोटर्स मिश्र धातु और CL एडुकेट जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी की पोजीशन से फायदा जरूर बना। जी तो ये कारोबारी हफ्ता आधा खत्म हो गया, 4 दिन का हफ्ता है, 2 दिन गए, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मुलाकात होगी पूरे पैनल की हर्षदा मेरे अनुज आशीष और नीरज जी की कल सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी CNBC आवाज पर। तब तक के लिए नमस्कार।